मेरा बेटा मेरे खिलाफ जाके इसके साथ चला गया था तब मुझे इससे भी ज्यादा तकलीफ हुई थी। ये वक्त गुस्सा नाराजगी का नहीं है, और अभी छोटे साहब भी विदेश में हैं। बहू रानी की हालत अगर हाथ से निकल गई तो लगता है और बच्चे में से कोई एक ही बच पाएगा। आपके पैर पकड़कर मिन्नत कर रहा हूँ साहब, बहू रानी को बचा लीजिए, वहाँ जाइए साहब। साहब आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, नीचे उतरिए साहब। साहब 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 क्या हुआ? हो गया क्या हुआ बहुरानी को? बहुरानी गुजर गई, बच्चे को जन्म देकर चल बसी। मुसीबत टल गई साहब। अब भी साहब बेटा हुआ है, ये घर का वारिस है। उस मजदूर की पैदाइश है, मेरा वारिस कैसे होगा? उसके साथ इसे भी मरना होगा, चाहे इसका गला दबा के मार दो या जैसे मर्जी वैसे मार डालो, इसे मरना ही होगा वरना तुम लोग मरोगे। चलो। तुम लोग अभी शोर मचाना बंद करो, एमएलए साहब को आने दो, उनके आते ही उनके गले में हार डाल देना, तब हमें जश्न मनाना है, क्या बोलते हो? ए, हार तैयार है ना? तैयार है भाई। एमएलए जी को अपने हाथों से हार पहनाएंगे भाई। तो एमएलए जी को हार पसंद नहीं है ना, इसलिए साइड से डालने का इंतजाम किया है। ऐसी बात है? अरे यादव, हाँ भाई, एमएलए के आते ही साइड से ऐसे हार पहनाना कि सीधे उनके गले में पड़ना चाहिए। ठीक है भाई। अरे एमएलए जी आ गए। अरे रुको भाई, रुको, रुक जाओ। अरे वो एमएलए नहीं है। तू एमएलए कहाँ है भाई? अरे मेरी किस्मत फूटी है जो एमएलए बन गया। अरे मेरी मति मारी गई थी कि तुम्हें इंतजाम करने के लिए बोला। एमएलए तुम हो क्या? हाँ। तो फिर वो कौन है? अरे वो पता नहीं कौन है। चाहे कोई भी हो, वो होने वाला सीएम लग रहा है। आह, महान सिंगर की तरह गाया तुमने। गाया भी तो किसी महान सिंगर ने। हाँ। टोयो, तुम नहीं ये गा रहा था? मैं खुद ही गाने वाला था, लेकिन गला खराब है इसलिए इसका इस्तेमाल किया। तुम्हारी इस हरकत को देवी माँ को बता दें क्या? माँ को बताना पड़ेगा, मैं कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आया हूँ। ओहो, लेक्चरर हो क्या? नहीं बताऊंगा। कॉलेज कौन सा है ये तो बताओगे? ये देखिए मैडम। मैडम, मैडम। अरे अरे बाप रे, अगर पकड़े गए तो ये छोड़ेगा नहीं। चलो चलो भाई। नमस्ते मैडम, आपने कहा था ना मेरी बहन को आज सीट देंगे, तो मैं मंदिर गया और अपनी बहन और आपके नाम पर पूजा की, प्रसाद लीजिए। मुझे मस्का मत लगाओ, शहर में दूसरे भी तो कॉलेज है ना, फिर मैं ही तुम्हारी बहन को सीट क्यों दूँ? आपके मालिक और मेरे अच्छे तालुकात हैं इसीलिए। तो फिर जाकर उनसे ही बात करो ना। मुझे सिफारिश की आदत नहीं है ना, ऊपर से मेरी बहन को अच्छे मार्क्स मिले हैं। मैं नहीं दूंगी उसे सीट। ये बिल्कुल गलत है मैडम,
एक हफ्ते से हफ्ते बाद आना कहकर कर्जा लेने वालों जैसा घुमाया या हाँ, नहीं? ये बात सच है पर अब बहुत देर हो चुकी है, सिलेबस भी खत्म हो चुका है। वो सब मैं नहीं जानता, मेरी बहन को आप जानती नहीं है मैडम। मेरी बहन दिखने में लक्ष्मी, पढ़ने में सरस्वती है। जितना आप एक साल में पढ़ाते हैं उतना वो एक हफ्ते में उफ करके फूंक देगी। अगर इतनी समझदार है तो कॉलेज में क्यों पढ़ाना चाहते हो? आपके पास भी मुलाजमत होनी चाहिए ना। क्यों, उसका ठेका ले रखा है क्या? बिल्कुल नहीं, मेरी बहन को आपने मजाक समझा। अच्छे मार्क्स होने पर भी आप उसे सीट क्यों नहीं दे रही हैं? बात वो नहीं है। अभी आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत सोचिए, आप बस बोलिए। ठीक है, कल अपनी बहन को लेकर आना। क्या कल? एकदम से मुश्किल होगा मैडम, गांव से बहन को लेकर आना होगा। इस बीच हमें अच्छा घर भी देखना होगा, हमारे लायक अच्छा घर भी मिलना चाहिए ना। शहर में इतने घर है, तुम्हें एक लायक घर नहीं मिलेगा। हाँ? वही तो मैं कह रहा हूँ, हैदराबाद में लाखों घर होने के बाद तुम्हें इसी कॉलोनी में घर क्यों चाहिए? देखो मैं कुछ भी नहीं जानता, जब इतने लाखों घरों में से घर दिला सकते हो तो फिर उस कॉलोनी में घर क्यों नहीं दिला सकते? यही पॉइंट है। अरे उस कॉलोनी में बहुत झमेला है भाई, मुझे वही घर चाहिए भाई। यही है हमारी कॉलोनी और ये हमारे नए मेहमान। नमस्ते सर। हाँ, मेरा नाम है मुरली कृष्णा। लगता है कोई नया बकरा है। लगता है घर के लिए आया है। जो लॉस हुआ है उसे कवर कर दे। चलो ओके। सुनो बेटे, मैंने जिसके बारे में कहा था यही लड़की है। बेटी इनको हमारी कॉलोनी में घर चाहिए। अपना नाम और गांव बताओ, असल में तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? नाम मुरली कृष्णा, गांव वैजाग। बैकग्राउंड अंडरग्राउंड अपर ग्राउंड सब बहन है। बहन की पढ़ाई के लिए हैदराबाद आया हूँ और यहाँ घर के लिए आया हूं। अच्छा, दूंगी महीने का किराया 2000, करंट ड्रेनेज वाटर सब एक्स्ट्रा, 12,000 एडवांस, 6,000 एक्स्ट्रा चाहिए। अब बस इतना ही? क्यों जी, इतना किस लिए? तो हमारे ऊपर का घर है इसलिए। तुम्हारे घर के ऊपर के हिस्से का इतना है तो फिर नीचे का कितना होगा? तुम्हारे ऊपर के घर में रहने का तरीका देखने के बाद ही नीचे वाला दूंगी, ये मेरा रूल है। हाँ ये भी सही है। सुने एक काम करते हैं, पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन पहले नीचे रहते हैं, नहीं तो रोज सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। क्या कहते हो? ये कौन सा रूल है? हाँ? रूल्स नहीं मानेंगे। रूल्स नहीं मानेंगे तो तुम क्या कर पाओगी? ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ही रहते हैं, पहले ऊपर के हिस्से में रहेंगे फिर धीरे से नीचे के हिस्से में। कौन सा हिस्सा है की बात है, पहले एडवांस देकर बात करो वरना दफा हो जाओ यहाँ से। बाप रे, उम्र में छोटी है लेकिन कारोबार में बहुत तेज है। इनके बारे में पता चला तो कॉलोनी का हिस्सा छोड़ो, तुम्हारे घर का हिस्सा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या कोई बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है या माफिया लीडर है? क्यों बस? नहीं बोलूंगा, तुम बस अपना एडवांस ले लो, मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए मैं ले लूंगा। दीदी दीदी वो पैसे मत लो। क्यों? इस कॉलोनी पर कब्जा करने के लिए मलेश यादव के गुंडे आ रहे हैं। अरे बाप रे, मलेश यादव के गुंडे आ रहे हैं। कितने लोगों की बात किए तूने? मैंने किसी से कुछ बात नहीं की है, कसम से कह रहा हूँ, मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा। बस उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। बाप रे, मलेश यादव इंसान नहीं हैवान है, राक्षस हूँ मैं। है? अगर वो राक्षस होगा तो हमारी बेटी महिषासुर मर्दिनी है, उसमें दम है तो बुला ले, चीर के रख देगी उसे। अरे अरे अरे, हर जगह नफरत काम नहीं आती, कभी कभी गुंडों से भी मोहब्बत करनी चाहिए। बाप रे, इतने बड़े राउडी से मोहब्बत करना हमसे नहीं होगा, तुम ही जाकर उसे मोहब्बत करो। बात वो नहीं है, हम सब लोग मिलकर। मुझे एक छोटी सी डाउट है, क्या मैं अपने हिस्से में एसी लगवा सकता हूँ? अरे एक्स्ट्रा भर दूंगा, वो क्या है कि एसी के बिना मेरी बहन नहीं रह पाती। कहाँ से टपक गया तू? यहाँ हम घर के लिए रो रहे हैं और तेरा कुछ अलग ही चल रहा है, ये एसी का क्या लोच है? जैसे ही तुमने कदम रखा कॉलोनी बर्बाद हो गई, और गुंडों के आने से पहले सब भागो यहाँ से। हिस्से के लिए इनसे बात करने के बजाय उन गुंडों से बात करना ही बेहतर है। बम फोड़ना बंद करो बे। नाम है मुरली कृष्णा, गांव है वैजाग।
तो फिर मुझसे क्या मुराद है? कुछ नहीं भाई, कॉलोनी खाली करवाने के लिए गुंडे भेजने वाले हो, इसीलिए सब डर रहे हैं। हाँ भाई का उतना सीन नहीं है, मैंने कहा कि मैं बात करके आता हूँ, इसीलिए आया। सीन नहीं है क्या? अपने को लड़ाई करने के अलावा बात करना होता ही नहीं है। बस करो, बेकार में गुंडागर्दी मत करो। गुंडागर्दी तब तक अच्छा लगता है जब तक शरीफ लोग मिलते हैं। अगर हम जैसे लोगों से पंगा लिया तो बॉडी डैमेज होगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुंडागर्दी बंद कर दो। बंद कर दो मतलब कर दिया। हाँ बस यही बात है भाई की गुंडागर्दी खत्म। तुम लोग जाकर दूसरा काम ढूंढो। आप तो जल्दी मान गए भाई, चलता हूं। नमस्ते। अरे भाई थोड़ी शराब पी लो, किक मिलेगी, लेकिन मेरे सामने मत आना, नशा उतर जाएगा। क्यों ब्रो, आराम से बात कर रहा हूँ तो वार्निंग दे रहा है, मरेगा क्या? छे, अरे नहीं भाई। क्यों? मारूंगा तो मर जाओगे। तू मारेगा तो मैं मर जाऊंगा? अरे देखो बे, ये मारेगा तो मैं मर जाऊंगा। मार बे, तुझे मारना होगा, मार। नहीं मारूंगा। मार बे। नहीं मारूंगा भाई। मार बोला ना। नहीं मारूंगा भाई। अगर तू सच में मर्द का बच्चा है तो मार मुझे। वैसे तो मारने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुमने मेरी मूछ, मर्दानगी और दम को ललकारा है। डॉक्टर, सिस्टर, कंपाउंडर। माय गॉड, लगता है हालत बहुत नाजुक है। हाँ सर, जिस्म तो यही है, जान पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ सर, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, ये और 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं जिएगा। सारे तजुर्बे का इस्तेमाल करके इसे बचाइए। क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है क्या? भगवान की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो खुदकुशी की है क्या? छे, हमारा भाई इतना बुजदिल नहीं है। तो फिर क्या हुआ भाई? मैंने इसे एक मुक्का मारा। क्या कहा, तुमने खुद नहीं मारा और तुम ही हॉस्पिटल लेकर आए हो? अब क्या करूं सर, दिल में तो राम है लेकिन मेरी मुट्ठी में परशुराम है। प्यार प्यार होता है, दम तो दम होता है। अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए पंच। नमस्ते भाई, उस गुंडे के हॉस्पिटल का बिल कॉलोनी वालों को भरना पड़ेगा क्या? मेरी बात सुनो, भले ही वो गुंडा हो लेकिन है तो इंसान ही। तुम्हारे लिए मैंने उसे मारा, बिल तुम ही लोग भरोगे, नहीं तो उसके जैसा हाल करके उसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगा। डांटने का मूड गया और मारने का मूड आ गया, अच्छा है ये तो। हाँ क्या अच्छा है, उस गुंडे को मारकर हमारी कॉलोनी को बचाया है। जो कहेंगे करना होगा, इज्जत से चंदा निकालोगे या हमारे हीरो से चमड़ी उधड़वाओगे? क्या बात है, खाली जगह देखकर घुसना चाहती हो? अगर तुम यही रहकर मेरा साथ दोगे तो मैं 7 समंदर पार भी जा सकती हूँ। ये क्या है, दूध औरतें उबालती है इसीलिए तुम्हें उबालने को कहा, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो दूध पर नहीं है। ये दूध छोड़ो, अगर तुम 7 फेरे लोगे तो कमरे में दूध लेकर आऊंगी। अरे बाप रे, इस चिंगारी से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। हाँ हेलो भाई लोग, मिठाई कैसी है? मिठाई तो लाजवाब है, हर कोई चार चार खा रहा है। जानते हो तुम्हें ये मिठाई क्यों खिला रहा हूँ? क्यों, क्या किराए के मकान में आए इसलिए? नहीं, जब कल मेरी बहन कॉलेज से आकर घर में कदम रखेगी तो रानी की तरह स्वागत होना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हुई तो सबके चमड़ी उतारूंगा। तुम्हें अपनी बहन से कितनी मोहब्बत? चाचा जी, मैं जी रहा हूँ अपनी बहन के लिए। वो बात में महालक्ष्मी, पढ़ाई में सरस्वती, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझसे पूछे बिना वो कोई काम नहीं करती है चाचा जी। मुझे बताए बगैर वो दहलीज तक पार नहीं करती है। बिना मेरे हाथों में हाथ डाले वो एक कदम भी नहीं चलती है। ऐसी है मेरी बहन। अपनी बहन के बारे में ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन सच में मेरी बहन ऐसी ही है। जब से गाड़ी में बैठे हो तब से बहन बहन करके कान से खून निकाल दिया है। असल में एक दिन, अरे भाई बस करो, आज के लिए हमें छोड़ दो भाई। अरे क्या छोड़ दूं, असल में मेरी बहन जो है, मेरे भाई के बारे में तुम नहीं जानते, पता चला तो मार डालेंगे। हाँ, जैसे कि तुम्हारे भाई बगल की ट्रेन में बैठे हो। भैया रिद्धिमा, चलो चलते हैं। मेरा
मेरा सारा सोना चला गया। बहुत मेहनत से मैंने जिसे कमाया था वो सोना, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, बताओ ना। डोंट वरी सर, 24 घंटों में आपकी बेटी को ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी हमारी है। यही बात आपने 24 घंटे पहले भी कही थी। अरे मेरा सोना आ गया, मेरा सोना आ गया, मेरा सोना आ गया। निकाल निकाल निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल मेरा सोनो। दर्द हो रहा है डैडी। दर्द हो रहा है, जाते वक्त पता नहीं था। निकाल 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 निकाल, जल्दी निकाल, कहाँ है, कहाँ है? बैग में। बैग बैग बैग, निकाल निकाल जल्दी निकाल। सोना मतलब हमने सोचा ये बेटी के लिए रो रहा है, लेकिन ये तो असली सोने के लिए रो रहा था। सोने की सुई भी गुम हो जाए तो टेंशन हो जाती है, बेटी सोने के साथ भाग जाए तो टेंशन नहीं होगा। सुन बेटी, तू किसी निकम्मे के साथ भी भाग जाएगी तो चलेगा, पर मेरे सोने के साथ भागी तो। अपनी गलती का दुख इसे है, इस बार माफ कर दीजिए। सुनो, मोहब्बत करना गलत नहीं है, अपने बुजुर्गों को नहीं बताना गलत है। बुजुर्गों का दिल सोना होता है, करोड़ों देकर भी नहीं खरीद सकते। जितना बड़ा दिल इस घर में है, शायद उतना बड़ा दिल किसी इंसान के पास नहीं होता। क्यों जी, इतने पुलिस वाले थे फिर भी हमें नहीं मिली, ये लड़की तुम्हें कैसे मिल गई? वैसे भी इस घर की लड़की को तुम कैसे जानते हो? एक समय था जब मैं इस घर में काम किया करता था, उसी कारण मैं इस लड़की को लेकर आया। इस घर का और मेरा क्या रिश्ता है, बड़े साहब जानते हैं। सुनो, मेरा सोना खरा है इसलिए मेरे पास वापस आ गया, मेरी वजह से ही आया है, ऐसी कहानियां गढ़कर सेटलमेंट मत करना। अब मैं चलता हूं, जब भी आपको मेरी जरूरत हो मुझे जरूर बुला लीजिएगा। मुरली, क्यों बुला रही हो उसे? गला दबा दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बीवियों ने मारकर भले ही हमें भगा दिया हो, टेलरिंग मशीन चलाकर हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे में हम लोग अंधेरा बैंक की मेहरबानी से आज हम इसकी सालगिरह मना रहे हैं। कट कीजिए। मुझे केक कट करने के बोल रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपने शादी की और बीवी ने आपको छोड़ दिया, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। हाँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कट कीजिए ना, कट कीजिए। ये देखा तो खा लोगे क्या? हमारी बीवी हमारे पास आकर, सुनिए जी, हमें अपना लीजिए ऐसी गुजारिश करेंगी, फिर भी हम लोग जाएंगे नहीं, यही हमारा वादा है। सरला, सुहागरात पे तुम काला लिबास पहनकर क्यों आई हो? मैं अभी तो वही पूछ रही हूँ, सुहागरात के दिन ये लिबास कैसा? सरला, चाहे हम कैसे भी हो, सुहागरात के दिन हम ऐसे ही लिबास पहनते हैं ना? ये है ना कि मैं हमेशा फैशन बदलती रहती हूँ, एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकती, कपड़े वो होने चाहिए जो हम पर जचते हो। क्यों? जचने के लिए काला लिबास पहनकर आओगी क्या? मेरी बात सुनो, अंदर जाओ और सफेद साड़ी पहनकर खूबसूरत बनकर आओ। क्या हुआ तुम्हें? मैं सफेद साड़ी पहनकर आऊंगी, पर जब आप मर जाएंगे तब। इज्जत से लिबास बदल कर आओ। आप जाओ, तुम जा कर आओ। मैंने कहा ना आप जाओ। इज्जत से जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ, आप जाओ, तुम जाओ, तुम कपड़े बदल कर आओ। मैं नहीं जाऊंगी। जाओ। थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू आवर कॉलोनी। मेरे कहे मुताबिक आप आ गई, जैसा आपने कहा था वैसा ही घर तैयार किया है। कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है? बीवी को छोड़ने वाले तुमसे क्या मतलब? कुंवारे यंग और यूथ हम बात कर रहे हैं ना आपस में। किसने कहा कि इसकी शादी हुई नहीं है अभी तक? किस बेवकूफ ने बोला कि मेरी शादी हो गई है? क्यों रे, अनजान लड़की को देखकर उसे कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो तुम? तू फ्लैशबैक जानता है क्या? अरे क्या है तेरा फ्लैशबैक? फ्लैशबैक में जैसे तुमने इसे शादी ही कर ली हो। शादी के बाद तुम दोनों में जमी नहीं, इसलिए तुमको इसने छोड़ दिया। ए हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। आइए आइए, ए टकलू लगेज लेके आ जा। आइए प्लीज, का कहां जा रहे हो? ए हट जा। ये यहां पर आखिर आए क्यों हैं? कम कम, फ्लैशबैक बता नहीं सकता, आगे कदम रख नहीं सकता, ये बटला मामूली नहीं है, जल्दी सेट कर लेगा भाई। ये बिल्कुल गलत है पापा। क्या ऐसे झूला झूल कर शराब पीना? जोक मत मारिए, करोड़पति के बेटे के पास सूट बूट के अलावा जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, बाहर लोग निकम्मों की तरह देखते हैं। तो बाहर मत जाओ। इनसे क्या इल्तिजा करना, हम भिखारी हैं क्या? हमारा हिस्सा हमें बांटने को कहो। ऐसा क्या, ये सब कमा कर लाए थे क्या? इतनी ज्यादा कमाने के लिए हमने भी मदद की है ना, हमें हमारा हिस्सा दे दो। ओहो, नहीं दूंगा तो बाहर चले जाएंगे। तो चले जाओ। अरे तुम चुप करो, कुछ 10,000 तो उधार दीजिए ना, मैं फिर लौटा दूंगा। ये बताओ, टूथपेस्ट है क्या? किस लिए? लेकर आओ, बताता हूँ। क्या मुसीबत है, ये लीजिए पापा पेस्ट। ढक्कन खोल कर इसे दबाओ। क्या हुआ? पेस्ट बाहर आ गया पापा। अभी बाहर आए हुए पेस्ट को अंदर डालो। है पेस्ट को अंदर घुसा दो ना। बाहर आया हुआ पेस्ट अंदर कैसे घुसेगा? वैसे ही तुम्हें दिए पैसे लौट कर आएंगे क्या? चलो निकलो। हाँ? हे हे हे!
मेरी बहन आ गई। अष्टलक्ष्मी देखो मेरी बहन आ गई, सब देखो। मैंने तुम्हें देखने को कहा तो आंखें फाड़ कर देख रही हो, आंखें बंद करके देखो नहीं तो नजर लग जाएगी। अरे बहना ये सभी हमारे कॉलोनी के लेबर्स हैं। भैया नेबर्स कहते हैं। है तो बर्स ही ना। ये घर के ब्रोकर है, ये लॉरी के ब्रोकर है, ये मोटे पैर वाले, ये चोर शक्ल वाला, लोमड़ी की चाल वाला कुवारा सन्यासी, ये हमारे कॉलोनी के मेन लेडीज हैं, और ये हैं यहाँ के बुजुर्ग। अरे भाई तुमने हमारा नाम ऐसा बेकार क्यों रखा है? अरे जो जैसा है हम वैसा ही बताते हैं, किसी ने बताया नहीं मेरी बहन कैसी है। बिल्कुल देवी जैसी है। सिर्फ देवी की तरह नहीं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सभी का मिला रूप है। बहना देखो तुम्हारे आते ही कॉलोनी कैसे खिल उठी है। बेटा तुम आ रहे हो, इस खुशी में हमने ये सब कुछ किया है। क्या चाचा जी हमारे लिए इतना खर्च कर दिया? अब तक गुंडे हफ्ता लेकर हमसे बहुत खर्च करा चुके, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। हम सभी का साथ दिया है तुमने, तुम पर हम इतना भी खर्च नहीं कर सकते। यहाँ मारा आपने चाचा जी। मैं ना तुम यहीं रुकना, मैं खुद अपने हाथों से नजर उतारूंगा। कॉलोनी वालों ने मिलकर इन फूलों से तुम्हारे इस्तकबाल का इंतजाम किया है। नीचे उतर जाओ बेटी। भैया। भाई नजर वहाँ पर उतारेगा, आप उतरो ना। भैया चलो उतरो ना। चाचा जी आप सामने से हटिए ना। बहन तुम उतर जाओ, वेलकम टू अवर कॉलोनी, आ जाओ बहन। सॉरी बहन, सॉरी। हटिए चाचा जी। हाँ इधर की नजर उधर की नजर, घर की नजर बाहर की नजर, मेरी नजर, उठो उठो, चलो चलो, जाओ 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 जाओ। आओ बहन। बेटा मुरली ये तुम्हारी बहन। ए हट जा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यही अपना कॉलेज। अरे रे। नमस्ते मैडम। नमस्ते बहन। प्रिंसिपल जी नमस्ते करो। नमस्ते मैडम। नमस्ते मुरली। हाँ तुम्हारी बहन। हाँ मेरी ही बहन है, रूप में महालक्ष्मी, पढ़ने में सरस्वती, कहा था ना बिल्कुल वैसी ही। हाँ पर इसकी क्लास फिफ्थ फ्लोर पर है और यहाँ लिफ्ट भी नहीं है। मैं हूँ ना, मेरी बहन के लिए मैं ही लिफ्ट हूँ। आओ बहन। भाई बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास में जाने वाली सीढ़ी यही है। इस लड़की को ले जाओगे क्या? हाँ लड़की बढ़िया है, मैं उठा कर ले जाऊँ क्या? उनसे पंगा मत लो भाई, आपकी बहन की क्लास इसी तरफ है। अबे क्या हुआ? क्या आदमी है यार, कैसे घूर कर देख रहा था। कौन है बे? वो देखो ना, अभी दिखाता हूँ उसे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, तुम न्यू एडमिशन हो ना मल्लिका? हाँ जी। प्लीज कम इन। रानी तुम वहां जाकर बैठो। ओके थैंक यू, मैं शाम को आऊंगा, तुम फिक्र मत करना बहना। ठीक है चलता हूँ मैडम। मुरली 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 मुरली। हाँ, क्या है? अपनी बहन को किस कॉलेज में दाखिला करवाया था पता है तुम्हें? मुझे कैसे नहीं पता होगा, पितराजू कॉलेज। पितराजू कॉलेज ये जानकर ही दाखिला करवाया? सब सोच कर जानकर ही करवाया। चलो कॉफी पीते हैं। अरे जरा रुको भाई, देखो मुरली उस पितराजू के बारे में तुम अच्छी तरह से नहीं जानते हो, इसीलिए शायद तुम बहुत बेफिक्र हो।
ए जेलर, मैं कौन हूँ जानता है क्या? पितराजू, पितराजू, कान की बाली वाला पितराजू। क्या बकरा है, तुम कोई बहुत बड़े बादशाह हो क्या? बाकी के कैदियों की तरह चुपचाप ये लिबास पहनकर कोठरी में बैठ जाओ, ज्यादा होशियारी की तो। 2000 करोड़ के मालिक हो तुम? ए, यहाँ जो 200 कैदी है ना, तुम भी उनमें से ही एक हो। मुझसे जिसने पंगा लिया वो धरती पे नहीं रहा। और मुझसे जिसने पंगा लिया वो इस कैद खाने से जिंदा बाहर नहीं गया। मैं अंदर रहूंगा या तू ऊपर जाएगा, देखते हैं। बाप रे, क्या हुआ? ईमानदार ऑफिसर है ना, कर्जे की मार सह नहीं पाया, खुदकुशी कर ली। करेक्ट। अरे मलिका, अब मेरी बहन मलिका? पता नहीं, जब मैं आई तब वो यहाँ नहीं थी। नहीं थी? क्या तुमने उसे देखा? नहीं देखा। सुनो भाई। हाँ, मेरी बहन मलिका डांस क्लास में ले जाने को कहा तो मैं खुद जाकर उसे छोड़कर आ रहा हूँ। हाँ। डांस क्लास कहाँ है? हाँ? अरे मलिका, अरे सरला, क्या है बे? बे बोला, तुम्हारे अलावा मुझे ऐसा कौन बोल सकता है भला? जब से रेडीमेड शॉप खुली है मेरा कारोबार बहुत गिर गया है। मैं सदमे में हूँ। सोने के लिए बेड तो है लेकिन खाना खाए बिना सो नहीं सकता। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? मंगनी के वक्त जो अंगूठी दी थी ना वो मुझे दे दो। हा? बेच कर खाना खाऊंगा। क्या इरादा है तेरा? बहुत दिन हो गए ना, बहुत वेट कर लिया, अब एक बार। अगर अंगूठी का नाम दोबारा लिया ना तो खींच के चप्पल मारूंगी। क्या खींच के? किसी भी तरह से तेरे पास से उस अंगूठी को खींच के निकालूंगा, देख लेना। अरे जा बे। Hey, नाना, how do you do? I'm fine, 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 fine. वैसे कहाँ जा रही हो? नए लिबास खरीदने के लिए जा रही हूँ। ये लिबास भी बहुत खूबसूरत है। Thank you so much. कोई बात नहीं। Bye. Bye. अरे बाप रे, मेरी अंगूठी कहाँ गई? क्या मुरली कृष्णा मिला क्या? नहीं भाई, हम भी उसे ही तलाश रहे हैं। अरे रे रे रे, अरे मेरी परेशानी तो समझो। इतना नाम है, इतना पावर है, इतने करोड़ की जायदाद होते हुए भी मैं इस जेल में सड़ रहा हूँ, इस जेल में। आपको कितनी तकलीफ है हम जानते हैं भाई। अरे जानते हो तो क्या उखाड़ दिया। अरे रे रे, अरे मैं कितना पागल हो गया हूँ। अरे आप नहीं जानते लॉयर जी, मेरे 3 भाई हैं फिर भी किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं। दोबारा आऊंगा तो उसकी लाश के साथ ही आऊंगा भाई। यही यही से चाहिए अंदर, यही से चाहिए भाई। हाँ, कल बहन का बर्थडे है भाई। आज बड़ी श्रद्धा दिखाई दे रही है, पितराजू से इतना डरते हैं ये लोग। रुक जाओ, भाई का फोन है। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर सिस्टर। ए नया जेलर, आज सभी कैदियों को मेरी तरफ से पार्टी। यस सर। गुड, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भैया। मालती, केक के पास जाओ, कैंडल बुझाओ।
अब केक कट करो। पहला टुकड़ा अपने करीबी इंसान को खिलाओ। नाम के लिए भाई है, इसके मुंह में केक नहीं डॉगी का बिस्किट डालो। यस। मालती, पागल हो गई हो क्या तुम? इसे पागलपन समझ रहे हो? मैं इसे प्यार समझ रही हूँ। मुरली अगर साथ होता तो डायरेक्ट लिप टू लिप किस देकर केक खिलाती, नहीं है इसीलिए एक स्टूडेंट के सामने परेड क्यों करनी है मैडम? ए, ये कॉलेज उनका है, ये जानते हो कौन है? पितराजू का भतीजा है। चुपचाप खड़े रहो। क्यों मुंह खोल कर क्या देख रहे हो? गर्ल्स एक एक करके आकर इंट्रोडक्शन दो। नमस्ते जी, आई एम सुभाषिनी, MSc PhD। छी, सुबह सुबह आ गई बुढ़ी, जब ऊपर जाने का टाइम हो गया तब तू यहाँ पढ़ने के लिए भर्ती हुई है क्या? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल हो क्या? ठीक है, तू साइड हो जा और कोई यंग लेडी लेक्चरर होगी उसे आगे भेज। इडियट, कौन है वो? किसकी आवाज थी ये? कौन है? कौन है? इडियट, डोंट यू हैव मैनर्स? लेक्चरर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? तू? मुझे लगा कोई झांसी की लक्ष्मी होगी, पर तू तो लंगड़ी है। अगर जुबान चलाई तो जुबान खींच लूंगी। भले ही लंगड़ी है लेकिन है खूबसूरत। आज ही ज्वाइन हुई है क्या? तो उससे वॉर्निंग करता हूँ। गलत है भाई, यह कॉलेज शिक्षा और संस्कार का मंदिर, और मंदिर में पाप करना गलत है ना? दूध पीने वाले बच्चे के मुंह से खून निकलना अच्छा नहीं लगता। दोस्त है ना, देखा कैसे वापस गया? देखा ना, गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। भाई अगर तुझे लड़ना ही है तो कॉलेज में नहीं, अपना घर बता, एरिया बता, मोहल्ला बता, वहां चलकर आराम से लड़ते हैं। ऐसी जगहों पर यह हाथ बहुत घूमता है। प्रिंसिपल मैडम, सबको क्लास में ले जाइए। चलो बच्चों, अपने अपने क्लास में जाओ। चलो तू जानता है मैं कौन हूं? पितराजू, पितराजू का भतीजा हूं मैं। और कौन है? और कौन है पितराजू का आदमी? कौन उसके टुकड़ों पर बल रहा है? और कौन उसकी चमचागिरी करता है? उसका सिर फुटबॉल की तरह उड़ेगा। एम्बुलेंस, डॉक्टर। अब क्या हुआ भाई? इतना खून देकर समझ नहीं रहे हैं कि इसी ने मारा है? डॉक्टर, इसकी जान नहीं जानी चाहिए। डोंट वरी, इसे बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। इसे बचाने के लिए तो मैंने नहीं कहा। हाँ? ना ये मरना चाहिए ना जिंदा रहना चाहिए। जी कर मरना, मर कर जीना, ऐसा ट्रीटमेंट करो कि ये जिंदगी और मौत के बीच में रहे। ये कैसा ट्रीटमेंट है भाई? है क्यों नहीं, अगर ये मर गया तो आपकी बदनामी होगी, जिंदा बच गया तो मेरी बदनामी होगी। ओम नारायण हरि। तो मैं चलूं? आखिरकार कोर्ट निकलवा कर यूनिफॉर्म डलवा दिया, कानून पावरफुल है। मुंह बंद कर। है आज सेंटर से मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, इसलिए पहनना ही पड़ा। मैं इसे अभी खबर बनाता हूँ, फिर देखना कैसा झटका लगेगा। गुड मॉर्निंग सर। सर एक बात कहूँ? तू बात मत कर। बेहतर सर। सुब्बा राजू को किसने? पता नहीं भाई, मेरा भतीजा है, पता नहीं था इसलिए मारा ना। पहले तो सिर्फ वार्निंग दिया था, पता चलते ही सिर और मुंह फोड़ दिया। मेरे भतीजे को मार रहा था तो तुम सब लाश की तरह क्यों देख रहे थे? हमने मुरली कृष्णा को पूरे वाइजाक में तलाश कर लिया। क्या नहीं मिला? उसका वाइजाक में मिलने का सवाल ही नहीं। क्यों? क्या जवाब दूं मैं इसका? ये सब अपनी मनहूस शक्ल लेकर उसे ढूंढ रहे हैं, और यहाँ उसने आपके भतीजे का थोपड़ा बिगाड़ दिया। हाँ?
आप जब से आए तब से मैं बताना चाह रहा हूँ, पर मौका देंगे तब ना। वो हैदराबाद क्यों आया है? अपनी बहन को पढ़ाने, जिसने दाखिला आपकी कॉलेज में लिया है। वो अपनी बहन को पढ़ाने के लिए आया है या हमें ऊपर उठाने, ये पता नहीं चल रहा है। टेंशन से मरे जा रहे हैं। जिसकी जान लेना चाह रहा था वो इसी शहर में है। अरे 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 कहाँ जा रहे हैं? ये क्या है? जेल है ये। अगर उनके पीछे पीछे हम भी गए तो हमें भी जेल में रहना पड़ेगा, समझे? ये जेल है। अभी जो आपने किया उसकी वजह से 6 महीने की सजा और बढ़ जाएगी, फिर जेल में रहना पड़ सकता है। तो फिर मैं उसे कैसे मारूं? हम लोग तो बाहर है ना भाई। सच में अगर तू अपनी माँ बाप की पैदाइश है तो उसे मार के आ, मार के आ उसे। जा मारो कमीने को। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं भैया। अब कोई इस कॉलोनी में कदम नहीं रखेगा। तुम लोग जाकर त्योहार का इंतजाम करो। अब कैसा इंतजाम? त्योहार शुरू भी नहीं हुआ, पूरी कॉलोनी शमशान बन गई। चाचा जी कुछ बात मत करो। किसी गुंडे से तुमने कॉलोनी को क्या बचा लिया? हमारी मती मारी गई जो तुम्हें जगह दिया। इतने बड़े लोगों से तुम्हारी दुश्मनी होगी, हमने सोचा नहीं था। और मर्द छोटा बड़ा किसी को भी देखे बगैर वो लोग बस काटते ही जा रहे थे सबको। पेट भरने के लिए भले ही खाना ना हो,
आराम से सोने के लिए कम से कम कॉलोनी में सुकून तो था, तुम्हारी वजह से वो भी चला गया। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला होगा। अब तुम इस कॉलोनी में नहीं रह सकते, चले जाओ। अगर तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ सुकून से रहे तो चले जाओ यहाँ से। कोंडन्ना, अब बस करो। तुम पर भरोसा करके सामने तुम्हारे हाथ में कॉलोनी दे दी तो उनके वारिस को बदनाम करके सबके साथ मिलकर इसका बहिष्कार करना चाहते हो क्या? अब चाचा जी, तुम रुको बेटा। इस मुरली को क्या तुम साधारण आदमी समझते हो? ये बड़े साहब का वारिस है, पूरी कॉलोनी का जजमान है ये, जानते हो तुम? सबको पता चलेगा तो तुम सब लोग दूर रहोगे, इसलिए तुम्हें बिना बताए यहाँ तुम्हारे साथ रहने के लिए आया। तो तुम इसकी यही खातिरदारी कर रहे हो क्या? यही है तुम्हारा संस्कार और इज्जत? इज्जत से मुरली से माफी मांग कर गलती मान लो, या फिर तुम सभी लोग ये कॉलोनी खाली करके यहाँ से कहीं और चले जाओ। जरूरत नहीं है, हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। बहना। नहीं भैया, आगे से इतने लोगों को दुख पहुंचाने के बजाय हमारा जाना ही सही होगा। नहीं बहना, मेरी बात सुनो। आप कुछ मत कहो भैया, वो पितराजू मामूली आदमी नहीं। मेरी बात तो सुनो। नहीं भैया, मैं कहीं भी जाकर पढ़ सकती हूँ भैया, हम यहाँ से चले जाते हैं, प्लीज भैया। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलिए। Back to kingdom! इसे बेल नहीं मिलेगी, जेल से ही बाय बाय बोलूंगा सोच रहे थे क्या? पितराजू, उसकी कैपेसिटी पता चल गई ना, बेल के पेपर से जेल की दीवार तोड़कर बाहर आ गया। हे, मुझे बेल किसने दिलाई? सोमराजू, अपने पेशे की काबिलियत को दिखाकर कोर्ट में बहुत बहस की होगी ना तुमने। फिर जज का दिल पिघल गया होगा और उसने बेल दे दी होगी, यही ना? नो सर, वीक डेज में इनको बहुत मोशंस हुए हैं, बेचारे आज ही घर से बाहर निकले। तो फिर कौन है? हाँ, मेरा अजीज बालकोंडा नायडू, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया होगा। आप जब से जेल गए तब से फोन नहीं उठा रहे आपके अजीज। तो फिर कौन? MLA? नहीं। MP ना? बिल्कुल नहीं। मिनिस्टर? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किसने बेल दिलवाई? भगवान ने। वो ये है, इनके आगे हाथ जोड़िए। असली मसला ये है, हम इसीलिए साइलेंट हैं। तुझे बेल दिलाने वाला मंदिर का भगवान नहीं है, तेरे दिल में बैठा ये यमराज है। सही कह रहे हैं, इनका एहसान मानिए आप। नमस्कार जी। hey! जेल में रहकर ही मुझे मरवाने के लिए प्लान पर प्लान बनाया ना, तू वहां मैं यहाँ। hey! क्यों चाहिए ये मौत की कबड्डी? मजा नहीं आया। फेस टू फेस, हैंड टू हैंड, डेयर टू डेयर, डायरेक्टली यही फैसला करते हैं। hey! कितना दम है तुझमें ये देखने के लिए जेल का दरवाजा खुलवा कर तुझे बाहर लेकर आया। hey! मार मुझे, आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है रे? अगर दम और जिगर में हिम्मत है तो आ जा, तेल में डाल के उबालूंगा कमीना कहीं का। hey! 24 घंटे में नहीं टपकाया तुझे तो मैं पितराजू नहीं। hey! थू! तेरे सामने खड़ा हूँ फिर भी तू 24 घंटे का समय मांग रहा है। अरे तू मर्द भी है या? hey! Hey! तुझे 24 घंटे का वक्त चाहिए ना, आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, तुझे पूरे 9 दिन का वक्त दे रहा हूँ, इन 9 दिनों में जितने अवतार लेने हैं ले लेना। अगर तू कंस बनकर आया तो कृष्ण बनकर तेरा गला काटूंगा, रावण बनकर आया तो राम बनकर 10 सिर काटूंगा, हिरण्यकश्यप बनकर आया तो नरसिम्हा बनकर तेरा पेट फाड़कर मैं वीणा बजाऊंगा, अगर मेरे लोगों पर तेरी परछाई भी पड़ी ना तो ऐसा काटूंगा कि कौन सा टुकड़ा कहाँ का है ये पता करने में भी एक हफ्ता लग जाएगा। मुझे क्यों मार रहे हैं? उनके डायलॉग पर मेरी जगह जो होगा यही करेगा, वो आपको ललकार कर जा रहे हैं, करो ना उनके साथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे कॉलेज में मेरे दुश्मन को सीट क्यों दी तुमने? उसने कहा था उसके आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुक। उसकी बहन कहाँ है? कॉलेज गई है। मेरे बिना कहीं मत भेजना कहा था ना? मैंने मना किया था पर इम्तिहान देना जरूरी है कह रही थी तो मैं खुद जाकर छोड़ कर आई। तुम्हें तो भैया। हे
कहाँ जाएगी बच के? मुझे कुछ मत करना। तेरे भाई ने कहा था तुझ पे हमारी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, अब कोयता पड़ेगा। बोल उसे जो उखाड़ना उखाड़ ले। तुझे मारने की इतनी जल्दी क्यों है बे? भागने की कोशिश करेगी ना? एक आदमी शहर में गंध फैला रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया है। वो आदमी तू है क्या? सर बात करने का समय नहीं है, सर मुझे जल्दी जाना है, प्लीज जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ 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 जाओ, जल्दी जल्दी जाओ 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 जाओ, भागो भागो। अरे रे गुंडा, इतनी जल्दी किस बात की है? जो सवाल पूछा उसका जवाब दो पहले। सर मेरी बहन की जान खतरे में है सर। उसकी सुरक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तू इस शहर में क्या कर रहा है? सर मैं इज्जत से बोल रहा हूँ, मुझे जाने दो। अगर नहीं जाने दिया तो जान से मारेगा क्या? अरे एक और गुंडा, लेफ्ट 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 लेफ्ट, अरे लेफ्ट जल्दी जल्दी। चुपचाप जाकर जीप में बैठ जा, अगर नहीं बैठा तो मैं खुद बैठाऊंगा। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। शट अप, तुझसे मुझे कोई बात नहीं करनी। ए, जीप में बैठाओ इसे। अरे बाप रे, जहाँ देखो वहाँ गुंडे। आजा आजा मेरे पास आजा आजा। मेरी बात आप समझते क्यों नहीं? इज्जत से बोल रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रहे? अरे समझते क्यों नहीं? भागो भागो जल्दी जल्दी जल्दी। ओ भैया, अरे मैं चाहता हूँ कि तुम भाग जाओ, लेकिन ये गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हैं। रास्कल, एक काम करो, यहाँ कोई गुंडे नहीं है, यही से कुछ जाओ कुछ जाओ। बहन मल्लिका, बहना, मल्लिका, बहना, 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 मल्लिका, भैया, अपने पुलिस वालों को लाइन पर लो जल्दी। सर मैंने जो किया वो गलत था, अपनी बहन को बचाने के लिए। सर मैंने जो गलती की उसके लिए आप भले ही मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरे बिना मेरी बहन नहीं रह सकती सर। सर मेरी बात समझिए, मैंने अपनी गलती मान ली ना सर। सर आपके लोग फालतू में जल्दबाजी कर रहे हैं, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूं, अगर कोई गड़बड़ हुई तो जान से मारेगा। नहीं, नो, डोंट शूट, डोंट शूट। हेलो कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम, इंटरोगेट करने वाले डीसीपी को एक मुजरिम ने शूट कर दिया है, उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हम पर गोली चलाई। वी आर इन डेंजर। मुरली पास मत आना, गोली मत चलाना, मुरली गोली मत चलाओ, यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। जाओ नहीं सर, आपको कुछ हो गया तो मैं मुजरिम बन जाऊंगा। हमारे डीसीपी को मत मारो, नहीं मत मारो, नहीं मेरी तो। सर मैं आपको बचा लूंगा सर, मेरे बिना मेरी बहन नहीं रह सकती, आपको किसी भी तरह बचाऊंगा सर। सर आपको कुछ नहीं होगा सर, मैं हूं ना सर, मैं आपको बचा लूंगा सर। सर लिफ्ट चाहिए सर, डीसीपी जी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, फौरन हॉस्पिटल ले जाना है सर। क्या कर रहे हो सर? मेन फिगर सामने रख करके साइड फिगर पे गोली क्यों चलाया? वो आपके छोटे भाई ने चलाया। क्या
क्या किया तूने? बोल क्या किया? उसकी वजह से आपने जेल में जहन्नुम झेली थी ना, इसलिए उसे भी जहन्नुम झेलनी ही चाहिए थी। अरे भाड़ में जा तू, भाड़ में जा, भाड़ में जा। मैंने जो प्लान किया था उसे छोड़कर तूने अपना प्लान क्यों घुसेड़ा बीच में? इसमें क्या जानता है, इसमें क्या जानता है? मिट्टी मिट्टी, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं सर, छोड़ूंगा नहीं सर। खोल दो, खोल दो सर। तुमने क्यों किया? डीसीपी पर गोली चलाई ये वजह दिखाकर उस पर शूट एट साइट का ऑर्डर वर्कआउट हो गया है सर। अब वो जहाँ कहीं भी दिखाई देगा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उसे बहुत बुरी तरह से मारेगा, वो बचेगा नहीं सर। ओके कूल डाउन, इसके पहले वो मुझ पर और तुम पर हमला करे उसके पहले शूट कर दो। हाँ? चाहो तो मेरे लोगों को ले जाओ। हाँ? चा, 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 मिट्टी करो। भैया तुम फिकर मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बहन, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। अरे तुम उनके सामने मत जाओ, वहाँ पत्थर है, मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया। हम जाते हैं उसके सामने, मत जाओ अभी। जाने को छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए उसे, प्लीज। आप उसने कुछ नहीं किया, बता तेरा भाई कहाँ है? मैं नहीं जाती सर। नहीं जाऊंगी तू, मेरी बात तो सुनो। डीसीपी साहब को कहाँ छुपा कर रखा है? मुझे नहीं
मेरे पास जो करोड़ों की जायदाद है उसका मुहाफिज बनकर मेरी खिदमत करने के लिए एक नौकर बनाकर लाई हूँ उसे। वो मुझे बहन बुलाता है सिर्फ उसी वजह से मैं एक नौकर की बहन बन जाऊंगी क्या? जो मेरी माँ का बेटा नहीं वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? रे रे रे, ये क्या बेकार सवाल है। ना मैं उसे जानता हूँ ना ही मेरा कोई रिश्ता है उससे। अगर आप उसे नहीं जानते हो तो उस दिन आपके सोने को आपके घर तक लाकर क्यों छोड़ा उसने? उसी ने तो कहा था ना मेरे घर में नौकर का काम किया है उसने। देखिए हमारा बहुत बड़ा खानदान है, रहमदिल है हम लोग। बहुत सारे ड्राइवर्स को हमने आसरा दिया है, उनमें से एक इंसान वफादारी से हमारी बेटी को हमारे घर तक ले आया तो वो रिश्तेदार हो गया। इसका मतलब आपका और उसका कोई रिश्ता नहीं? उसका हमारा आपसे किसी से कोई रिश्ता नहीं। आप यहाँ से जाइए। ठीक है, देखते हैं। हाँ, सभी देखते हैं कहते ही रहते हैं, करने वाला कोई नहीं। क्यों मुरली कौर, हमारा कोई रिश्ता नहीं है क्या? इस मामले में अगर बात करेंगे तो तुम्हारा मेरा भी कोई रिश्ता नहीं। ये बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? किसी के डर से क्या तुम अपने सगे भाई को भाई नहीं कहोगी? अगर वो 10 बातें बोलता है तो 9 बातें तुम्हारे बारे में होती हैं। ऐसे इंसान के बारे में ऐसा बोलने पर तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने ऐसा क्यों कहा बेटी? अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो वो मुझे बचाने के लिए आते और खुद खतरे में पड़ जाते दादाजी। जब मैं कह रही थी कि वो मेरे भैया नहीं है तब मेरा कलेजा कैसे फट रहा था, मुझे कितना दर्द हो रहा था आप नहीं जानते। उनको यहाँ आने से रोकने के लिए मैंने कहा वो मेरे भैया नहीं है। जब से मैंने भैया बुलाया तब से उनकी मुसीबत शुरू हो गई। जब मैं नहीं थी तब उनकी जिंदगी कितनी खुशहाल थी पता है आपको? हर महीने भले हमें तनख्वाह देर से मिले लेकिन तुम तो हमेशा वक्त पर हमको पैसा देते हो। इसीलिए तो कभी कभी नौकरी छोड़ के तुम्हारे साथ ही रहने का मन करता है। भले ही पोशाक अलग हो लेकिन हम काम एक जैसा ही करते हैं। ऐसा लगता है? और नहीं तो क्या, तो चलता हूँ। चलो भाई, हमारे लिए ऊपर वाले ने भेजा है इस इंसान को। इंसान सख्त है पर दिल से नरम है, ये जितना कमाता है आधा तो बांट देता है। बाकी का आधा क्या करता है? दादी आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लो ये लो, देखो सब है कि नहीं। अरे इसका इंतजार नहीं कर रही थी। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरी प्यारी दादी मुरली। चिकन मसाला लेकर आया? हाँ, लेकर आया हूँ ना भाभी। आपने मंगवाया तो कैसे नहीं लेकर आता, ऐसा कभी हुआ है? दादी ये लो आपका नया चश्मा। इसकी क्या जरूरत है? तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखती हो ना दादी? जब बाप यहाँ पर हैं तो दादी का क्या काम? पहले पिता माता, माँ नहीं रही इसीलिए पापा पहले का। मेरी शराब। हाँ भाई, कैमरा लाने को कहा था ना, ये लीजिए। कब लाने के लिए कहा था और अब लेकर आए? इसे ढूंढ कर लाने में टाइम लग गया भाई। बेटे मेरा कहाँ है? बहना किताबों की सेट चाहिए थी ना, ले आया। तो फिर कॉलेज फीस? अरे लड़की, कल ही तो तुमने कॉलेज की फीस कहकर पैसे लिए थे ना। बुड्ढी चुप रहो, तुम क्या जानती हो, कॉलेज में बहुत सारी फीस लगती है। ये लो बहना पैसे, जाओ आज की कल की सब फीस भर दो। थैंक्स भैया। अरे अरे रुक रुक रुक, कहाँ ले जाएंगे इतने पैसे? अरे दादी कहाँ जा रहा है, मेरी बात तो सुन। इस घर के सारे किरदार निपट गए हो तो अगर मेरी चीज भी मुझे दे देगा तो ये किरदार भी निपट जाएगा। जब देखो दूध पीते बच्चे के जैसे रोते हो। अरे वाह, असली बेटे हो मेरे। अगर दूसरा जन्म मिला ना तो मैं तेरे पेट से जन्म लेना चाहूंगा। हेलो,
ये पानी हाँ? किसके लिए? मुरली के लिए। ये मुर्गियों के लिए है। मुर्गियों के लिए पानी क्यों चाहिए? पंख उखाड़ने के लिए। पंख उखाड़ने के लिए, पूंछ उखाड़ने के लिए नहीं, ये पानी मुरली के क्यों? लिए है। गर्म पानी से नहीं नहाएगा तो सर्दी हो जाएगी उसे। बात वो नहीं है। ज्यादा बात करोगी तो मुंह तोड़ दूंगी। जाओ यहां से। उसके पैसों से घर चलता है पर किसी को पड़ी नहीं है। जानती हूं। जाओ तुम। वो कुछ नहीं बेटा, मैं वो गर्म पानी क्यों? इतनी ठंड में गर्म पानी क्यों चाहिए? ठंडे पानी से नहाने से जिस्म मजबूत होता है, ठंड को ठंड ही काटता है। ठंडे पानी की तो मुझे आदत है, उसी से नहा लूंगा। डोसा कहाँ ले जा रही हो? मुरली के लिए। ये मैंने अपने पति के लिए बनाया। अच्छा, है। इस डोसे पर क्या तुम्हारे पति का नाम लिखा हुआ है? बेचारे को भूख लगी होगी। क्यों? इतनी सी भूख से मर जाएगा क्या वो? वैसे भी कौन सी बड़ी नौकरी कर रहा है जो उसे डोसा खाना है? वो जो भी नौकरी कर रहा उसी से हम लोग सब खा रहे हैं ना। तेरा पति जो कमाता है उससे तो बस तेरे फूल ही आते हैं और कुछ नहीं। मेरे पति कम से कम मोगरे के फूल पर ही खर्च करते हैं। वो तो सारे पैसे उन लेबर पर खर्च कर देता है और जो भी चिल्लर बचते हैं वो लाकर हमारे मुँह पर फेंकता है। तो उसकी आरती मुझे तेरे मुँह नहीं लगना है। पता नहीं उसकी रगों में किसका खून है जो हमेशा बस दूसरों के बारे में सोचता है। यही तो खूबी है उसके अंदर। खूबी है तो हार पहनाकर हाथ जोड़ो। मैं नहीं बनाऊंगी उसके लिए। तुम क्या बनाओगी? मैं खुद बना देती। चुप रहो। अगर एक शब्द और कहा तो गरम गरम तवा मुंह पे चिपका दूंगी तुम्हारे। ले आओ डोसा दो मुझे। हाँ देती हूँ। डोसा नहीं, चाटा देती हूँ तुझे। कहाँ गया वो बेचारा? कौन? अरे मुरली और कौन? जब मेरे पास शराब होती है तब सभी अपने हैं और जब नहीं होती तो कोई सगा नहीं। अरे वो इस घर का बेटा नहीं है फिर भी हम सबके बारे में सोचता है। हमें भी तो उसके बारे में सोचना चाहिए ना। क्यों माँ, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ, मेरे बारे में भी कुछ सोचो ना। जब शराब पी रहा हूँ तो फालतू बातें मत करो, उतर जाती है। तुमसे बात करना मतलब जी का जंजाल है। सारी गलती तुम्हारी है, मुझे क्यों कह रही हो? जाओ यहाँ से। जब देखो तब ठूसता रहता है। तो और क्या करूँ? कुछ लोग खाने के लिए पैदा होते हैं मेरे जैसे, कुछ लोग खाना देने के लिए पैदा होते हैं तुम्हारे जैसे। सब उसकी कारीगरी है। मैंने जो गलती की है अगर तुम पास होती तो तुम्हारे पैर पकड़ के माफी मांग लेता, पर ऐसा नहीं हो सका। साहब जब ऐसे रोज दुखी होते हैं तो मुझसे देखा नहीं जाता है। सिर्फ हर रोज नहीं, हर पल इसी दुख में रहते हैं। पहली बहू को उन्होंने अपने हाथों से दूर कर लिया तो दूसरी बहू और बेटे को भगवान ने इनसे दूर कर दिया। तो अब इन्हें कैसे संभालेंगे हम? उसके लिए हमारे पास एक तरीका है ना बेटी मल्लिका। दादाजी को तुम्हारे हाथ की कॉफी पीनी है। दादाजी कॉफी। मेरी जान है ये। अरे ये हम सबकी जान है। सुनिए लॉयर जी, हा? बुरा मत मानिएगा पर ये हार तो चूहे की दुम जैसा है। मैं जो लाया हूँ इसे देखिए, हाथी की दुम। आप चुप बैठो, देखो वो आ रहे हैं। मैं सच्चाई कह रहा हूँ तो मान नहीं रहे। वो देखिए आ गए। क्यों नहीं कलेक्टर, कैसे हो? अच्छा हूँ सर, वेलकम टू वाइजैक सर। क्या भाई, कलेक्टर को मार दिया आपने? कमकल कहीं के, क्यों मारा बता इसे? हार पहनने के लिए भाई सर नहीं झुकाते, ये बात कलेक्टर को पता नहीं है। हार पहनाने का तरीका नहीं पता इसीलिए डर रहे हो। उन्हें कैसे पहनाना है मैं जानता हूँ, वो हार मुझे दो। वेलकम टू वाइजैक सर। मैं जानता हूँ सर, आप बिना सिर झुकाए हार पहनेंगे। ए ला जा, वेलकम टू वाइजैक सर। अभी क्यों मारा भाई? से ऊंचा कोई नहीं निकल सकता। चल खुश रहो, सब सही है ना? सब कुछ सही है। बेटी मल्लिका के पहले नृत्य के मौके पर साहब गरीबों को 100 एकड़ की जमीन दान कर रहे हैं। ठीक है रहने दो, तुम मल्लिका का ध्यान रखना, मैं भी आता हूँ। क्यों चाचा, सामने आऊं या बीच में आऊं? इतनी जल्दी कैसे पता चला हम आ गए हैं? क्यों आए हो? मेरे पूछते जा रहे हैं, क्यों रूठ गए क्या? कोंडापुर बीच के पास जो 100 एकड़ की जमीन है वो ये खरीदना चाहते हैं। वो तुम्हारी ही है लेकिन मुझे चाहिए।
भले ही तुम देना ना चाहो। हाँ। तुझे फोन पे ही कहा था, वो जमीन हमारे इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्करों की है, उन्हें ही बांटूंगा और अभी बांट भी रहा हूँ। मैंने कहा था ना, चाचा नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ए, चाचा तू सिद्धि है, मैं घमंडी हूँ, तू मानेगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, साफ टाइम वेस्ट। धमकी दे रहा है, मार डालेगा क्या? तो मारना, बुझे हुए चिराग की तरह हूँ, मार डाल। सच बात है, बुझे हुए चिराग को आखिर मैं क्यों बुझाऊं? बोले राजू भाई, उस चिराग को लेकर आ। ये मेरी पोती है, मेरी जान है। हाँ, जब उसे दर्द होगा तभी तुझे दर्द होगा। क्यों स्टेज शो के लिए निकली हो क्या? घर में लाइव शो रख कर? मेरी पोती। दादाजी। रोने के बाद दस्तखत करके भेज देना, वरना तेरा पूरा खानदान सिर्फ एक पैर पे होगा। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे कि जान चली गई? आखिर हुआ क्या है? बहन फिसल कर गिर गई। मुझे लगा मेरे लिए खंबा ला रही थी जिसे गिरा दिया। हमेशा शराब की सोचते हो, पैर फ्रैक्चर तो नहीं हुआ ना? फ्रैक्चर हो गया है तो पैर निकाल देते हैं ना, इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? क्यों बेटा, दर्द हो रहा है क्या? सेंटीमेंट बहुत हो गया, कोई दवा लगा दो ठीक हो जाएगा। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो? मैं कॉलेज जाने से बच सकूं इसलिए तो इतना बड़ा नाटक किया मैंने, पर तुम तो ज्यादा अच्छा करते हो। चलो अब बस करो ये सब। अरे क्यों बेटा? हाँ। तुम्हारा प्यार इन लोगों के लिए जहर बन गया है ना? कोई जहर वहर नहीं, वो तो छोटी बच्ची है, उसकी बातों का बुरा थोड़ी मानूंगा। मुरली। हाँ चाचा। क्यों बेटा, तुमने खाना खाया क्या? भूख नहीं लगी है चाचा। तुम्हारी भूख तुम्हारी आंखों में नजर आ रही है बेटा, ये लो नींबू डालकर तुम्हारा पसंदीदा चावल का पानी पी लो। चावल के पानी के लिए तो तैयार हूँ। से चाचा, सिंगापुर से आने वाला जहाज अब तक आया क्यों नहीं? अरे उसके आने से क्या होगा बेटा? पैसे मिलेंगे जिससे मेरे पापा, भाई बहन, तुम्हारी छोटू की, अंजी की, सबकी जरूरतें पूरी होंगी। हमारी भूख मिटाने के लिए पहले तुम्हें अपना पेट भरना होगा। ऐसा कुछ नहीं है चाचा, पहले घर उसके बाद हम। ठीक है बेटा, कैसा बना है? बहुत अच्छा है चाचा, शायद माँ का दूध भी ऐसा ही होता होगा। ये बेरहमी है, नाइंसाफी है। ये बॉटल ऊपर लटका दिया, पिए बिना कैसे खाऊं? आज गांधी जयंती है, ना खरीदनी चाहिए ना पीनी चाहिए, खरीदने के बाद पता चला, इसीलिए आज हमारे घर में शराब बंद। मगर बंद क्यों? गांधी जी ने तो आजादी दिलवाई थी, फिर उनका नाम लेकर मेरी आजादी क्यों छीन रहे हो? आजादी का गलत इस्तेमाल करने के लिए गांधी जी ने नहीं कहा था, अच्छे से जीने को कहा था। अगर इतनी ही जरूरत है तो बोतल को देखो और आराम से खाना खा लो। घर में मदिरा बंद कर सकते हो, ब्लैक मार्केट से मैं लेकर आता हूँ अभी। कहाँ जा रहे हो तुम? सारे दरवाजे बंद कर दो, अगर मुझे पता चला कि इन्हें किसी ने शराब बेची तो शहर के सारे शराब की दुकान बंद करवा दूंगा। अच्छा, इतना जुल्म ढा रहा है अपने बाप पर, गांधी जी के लिए अपने बाप को खुद से दूर कर रहा है। मेरा भी वक्त आएगा तब बताऊंगा। ए, तुम्हारा नाम क्या है? अप्पा जी। नाम तुम्हारा इतना अच्छा है, ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती है? कौन सा नाम रखने से अच्छा होगा आप बताइए, वही नाम रख लूंगा। इतनी हिम्मत की पुलिस वाले से जबान लड़ाओगे तुम? गलत है सर, बलवान हो इसीलिए नीचे वाले को मारोगे तो ऊपर वाला आपको मारेगा सर। ओहो, तो तुम हो इसके बॉस? सिर्फ इनका ही नहीं, पूरे राज्य की जनता का बॉस हूं मैं। सुन लिया ना? ये बकवास मैं क्यों सुनूं बे? फिर से बेकहा, गिनना शुरू करूंगा तो एक बोलने से पहले ही उठ जाएगा। तो मुझे मारेगा? तुम इतने लोगों को मार नहीं सकते, लेकिन अगर मैंने मारना शुरू किया तो नीचे से गैस लीक होगी। स्मगलिंग करते हो और तुम में इतनी ज्यादा अकड़ है। स्पेलिंग मिस्टेक सर।
बड़े बड़े लोग जब स्मगलिंग करके देश को बेच रहे हैं तो उनका माल चुरा कर वो हम जैसे लोगों में बांट देता है। ये है इसका कैरेक्टर। हमारे डिपार्टमेंट में पकड़ा हुआ आधा स्मगलिंग केस मुरली नहीं पकड़वाया है सर। जो पुलिस वाले नहीं पकड़ पाते वो चोरी का माल चुरा कर हमारा पेट भर रहा है सर। हमें तनख्वाह कम पड़ती है इसलिए हम मुरली से पैसे ले लेते हैं सर। चाहे तो आप हमारी पीठ तोड़ दीजिए लेकिन इतने सारे लोगों का पेट मत काटिए सर। तुम भले कितने किस्से कहानी मुझे सुना लो, इस वक्त मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। वो सूटकेस दो मुझे, जल्दी करो। स्वामी जी की ये है मैटर। सॉरी, ड्यूटी करते हुए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। स्मगलिंग सूटकेस में ही नहीं सर, बल्कि बाहर भी चोरी करने वाले हार्बर में घूमते रहते हैं। उन पर भी अपनी लाठी उठाइए सर। लाठी नहीं, वक्त आने पर गोली भी चलाऊंगा। डन, ऑल द बेस्ट। तेरी ये अकड़ इन लोगों की वजह से है ना? मुझमें अकड़ और रुतबा लोगों से नहीं आया, पैदा होते ही आया। I will see you. अरे बाप रे, लगता है डीसीपी के दिल पे चोट लग गई। वैसे बेटा, इस ब्रीफकेस में अय्यप्पा स्वामी के कपड़े कैसे आए? ब्रीफकेस बदलने के लिए अंदर ले गया, तभी पुलिस को आते देखा और बिना बदले लेकर आ गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया और देखो मैं बच गया। गलत फहमी हुई है, मुझसे पंगा लेने वाला कोई बच कर नहीं निकला। कितने सालों के बाद मिला है। शराब ज्यादा हो गई थी इसलिए उल्टी कर रहा था। मैनरलेस फेलो। गुड इवनिंग आईजी जी। गुड इवनिंग। नमस्ते। गुड इवनिंग पितराजू। कहाँ है हमारी बहू? वो देखो। रिश्ता तय करना है, बोलता तो शर्म के बारे नहीं आती, इसलिए पार्टी बोलकर लेकर आ गया मैं। मेरा बेटा भी वैसा ही है, लड़की को देखने के लिए बोला तो शर्म से आया ही नहीं। ओए फोटोग्राफर सर, उस लड़की की तस्वीर ले लेना। ठीक है सर। बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए मैं जिंदा हूँ या मर गई किसी को नहीं पड़ी। पड़ी है क्या किसी को? अरे माँ, चिल्ला क्यों रही हो? बाहर अगर किसी ने सुन लिया तो सोचेंगे घर की लेडीज शराब पीती है, इज्जत चली जाएगी मेरी। बस पीकर आओ और बकबक करो। हम सबके लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है वो मुरली, अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए, इतना भी होश नहीं है किसी को। इसीलिए अभी अभी मैं एक लड़की को देख कर आ रहा हूँ। क्या तुम? हाँ, मेरी बात पे भरोसा कब करोगी? गौर से देखो, फुल बॉटल की तरह चमक रही है। अरे वाह। कुमारी क्या है? देखो ना, मुरली के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है, कितनी सुंदर है लड़की। देखो लाने वाला तुम्हारा बेटा है ना, पगली की भी फोटो होगी तो भी तुम्हें अच्छी लगेगी। तुम्हें दिखाकर ही मैंने गलती कर दी, खुद की शक्ल तो चुड़ैल जैसी। क्या दादी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? अरे मुरली, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है बेटा, होने वाली बीवी की तस्वीर तो देख लो। तुमने देख लिया ना, काफी है। अरे ये तो अपनी धुन में ही रहता है। वाह, एकदम परी जैसी दिखती है बिल्कुल। दादी एक बार दिखाओ। क्या तस्वीर? मैंने कहा तब तो नहीं देखी। बात वो नहीं है दो। अरे जाओ, देने को कहा ना। अच्छी है ना? जो जो भी लल्लो। क्यों भाई, मेरी और इस लड़की की जोड़ी कैसी लगेगी? कमाल की। कुछ भी कहो बेटा, हम लोग तो क्लास से बड़े हुए हैं और ये लड़की मास से। तेरे मामा का मुंह। भाई इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी से अपना ये गेटअप बदलना चाहिए। चाचा जी, ये साड़ी बहन के लिए कैसी है? तुम्हारी बहन के लिए जितना खरीद चुके हो वो काफी है, अब अपने लिए सूट खरीद लो। सूट और सूटकेस की हमें क्या जरूरत है? भाई भाई, अपनी बीवी। सॉरी भाई, आपकी बीवी। नाइस। जो जो भी लल्लो। अरे चाचा जी, ये एकदम से यहाँ कैसे है? ये तो यहीं आ रही है। भाई ये लड़की तुम्हें फॉलो कर रही है। सच कह रहा तू? अभी तुम बिल्कुल कमजोर मत पड़ना, जवान उम्र है ना, जब जवानी झलकती है तो ऐसी लड़कियाँ हमारे पीछे घूमती रहती हैं। सुनो, अपना स्टाइल बदल लो। हाँ बिल्कुल, स्टाइल बदलना पड़ेगा। हाय, ओ हो,
क्या हुआ भाई, भाभी ने देखा नहीं क्या? क्या समझती है, क्या समझती है, क्या समझती है? वो अपने आप को समझती क्या है? कैसे जा रही है वो देखो। मुझे कैसे पता होगा भाई? तो पता लगा। आ जाना। क्यों रे, वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? वो क्या सोचती है ये तो मैं नहीं जानता भाई। हाँ। पर मैंने एक बात सोची है। क्या सोची? आपको देखकर उछल कूद करने का मन किया। कहाँ पर? समुद्र में क्या? अरे ओ कमीनो, बेकार का सेटअप, बेकार का बैकअप, मेरी पहचान बिगाड़ दी, इसीलिए वो गई। चली गई ना। अरे तो कहाँ गई वो, देखता हूँ। कहाँ जा रहा है अभी ये? जो भी लल्लो, तेरे मामा का पिलो नहीं बोड्ढा कहेगा। चल निकल। क्यों, मुरली कहाँ है? उससे काम है या शराब से? कहाँ चला गया ये? हाँ देकर गया है वो। कहीं वो मेरी डोज तुम्हारे पास तो देके नहीं गया? हाँ मैंने कहा ना, देकर गया है वो। देती हूँ। कहाँ है, कहाँ है? दो ना माँ। हाँ, जल्दी। हाँ, देती हूँ रुको। अरे दो ना। अरे, जल्दी अरे, देती मुझे। रुको, वो कहाँ गया ये अरे, नहीं वो सब मैं बाद में पूछूंगा, पहले दो। ये हुई ना बात। ये वक्त बहुत अच्छा है, क्या दीदार हुआ है। भाई लड़की आ रही है। जो भी लल्लो, लगता है अपनी होने वाली बीवी को भगवान और मंदिर बहुत पसंद उसे है। भगवान नहीं तुम पसंद हो इसलिए आई है। प्रसाद के लिए आई है। अरे भाई जरूर वो लड़की तुम्हारे लिए ही आई है। उस दिन शॉप में हैंड दिया था ना, अभी शेक हैंड करने के लिए आई होगी। मैं मंदिर में रहूंगा, ये उसे कैसे पता चला? आप भी कैसी बातें करते हो भाई, रात रानी भूल कहाँ है, ये सांप को बोलना पड़ता है क्या? और देरी मत करो, जाओ फतेह कर लो, जाओ। तो देखता हूँ। हेलो हेलो, हाउ आर यू? या आई एम ओके। हमने सब कुछ देखा भाई। क्या सोचती है, क्या सोचती है, क्या सोचती है, क्या सोचती है मेरे मुतालिक? अरे क्या सोचती है मेरे मुतालिक? मुझे कैसे पता होगा? पता लगा भाई, मैंने पहले देखा था पर बोला नहीं। पहले ही देखा था, पहले ही देखा था, पहले ही देखा था, तो बताया क्यों नहीं? बोल क्यों नहीं बताया? चाचा वो क्या सोचती है मेरे मुतालिक? जो भी लल्लो लल्लो। पार्सल खोल यार। एक्सक्यूज मी, क्या लाऊं सर? एक बड़े बर्तन में चावल का पानी। चावल का पानी, व्हाट डू यू मीन? अरे वही भाई, सूप। बड़े होटल में चावल के पानी को सूप कहते हैं। अरे सूप जो भी हो, चावल का पानी लेकर आ जाओ। लेकर आओ, तुम लोग खाओ। सर सर, बाहर का खाना अलाउ नहीं है सर। ओए तेरी तो, यहाँ से पार्सल ले जाकर बाहर खा सकते हैं, तो बाहर से लाकर यहाँ क्यों नहीं खा सकते? जो मांगा है वो लेकर जाना भाई। क्या हुआ चाचा? अरे कुछ भी नहीं, खाओ बेटा। हाँ कम ऑन। जो भी लल्लो। चाचा मेरी वाली लग रही है ना? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तू खुद ही देख ले बेटा। क्यों अंजी, ये मेरे लिए आई है ना? क्या हुआ? हाँ, बताओ कैसे अचानक आई? तुम आगे चलते हो वो पीछे आती है, तुम पीछे रहते हो तो तुम्हारे आगे चलती है, दोनों सामने हुए तो अपना मुंह मोड़ लेती है। पता नहीं वो लड़की चाहती क्या है, हमारा तो पसीना छूट रहा है। भाई इस मामले में हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तुम सोलो परफॉर्म करना। इस बार इसे छोड़ूंगा नहीं, मटका फोड़ना ही होगा। जो भी लल्लो। अभी बताता हूँ, रुक जा। हाँ रुक जा। क्या सोचती हो तुम मेरे मुतालिक? बताओ क्या सोचती हो मेरे मुतालिक? क्या हुआ, अनजान बनकर क्या देख रही हो? बैठो, बैठ जाओ। क्या चबा रही हो? च्युइंगम। थूक दो। क्या हुआ, डर गई क्या? घबरा रही हो ना? मैं तो आम लड़की पर भी हाथ नहीं उठाता, फिर तो तुम मेरी होने वाली हो। डरो मत, कुछ खाओगी क्या? नहीं सुनोगी। क्या सुनोगी? तुम हो कौन? मैं? अरे तुम्हारा होने वाला। और मुझे जानते हो? मेरी होने वाली। किसने कहा तुमसे? मेरे ससुर जी को तुम्हारे ससुर जी ने नहीं बताया? मेरे ससुर जी? मेरे को? पापा। तुम्हारे ससुर जी? तुम्हारे पापा। हाँ? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कपड़े कैसे हैं? लगता है दीवार पर कोई पोस्टर लगा दिया। ऐसे पोस्टर की तरह शरीर पर चिपकने वाली ड्रेस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छे से टीका लगाओ, काजल लगाओ, साड़ी पहनो, ब्लाउज पहनो, हल्दी लगाओ। और ये बाल इतने छोटे कैसे, कटिंग की है? अरे तेरी तो, ऐसी कटिंग वटिंग मुझे नहीं पसंद। शादी के बाद ऐसा नहीं करना। नहीं करोगी ना?
तुम अभी छोटी सी चोटी में मोगरे का फूल लगाकर पति जब बगल में आकर रोमांस चालू करे तो सर झुकाकर सुबह होने तक जो जो भी लल्लो समझो। What are you saying? I'm not following you. शादी के बाद फॉलो कर लेना। तुम मुझे पसंद आ गई, मैंने घर में बता दिया। मैं तुम्हें पसंद आया ना, तुमने घर में बताया? नहीं बताया। क्यों? कल तुम खुद मेरे घर आकर बता देना। प्यार से बोलने की जरूरत नहीं, बस ऑर्डर करो। देखना सुबह तक कैसे तैयार होकर आता हूँ। नहीं समझी? धोती पहनकर इतने हैंडसम लगोगे, ये मुझे पता ही नहीं था। धोती पहने या मुझ को ताव दे, ये पहनने और ताव देने वाले पर होता है। भाई, इस धोती में अगर भाभी ने आपको देख लिया ना तो कस के पकड़ लेगी। किसे धोती को? आपको। पीछे हट, स्त्री खराब हो रही है। बस बस, बहुत तारीफ हो गई, नजर लग जाएगी इसे। लाओ पहले काला टीका लगा देती हूँ। एक बार देख लिया तुम्हें तो समझो शादी हो ही जाएगी। चलो अब निकलो। चलो भाई। क्या हुआ भाई, इतना सज धज कर कोई त्योहार मनाने जा रहे हो क्या? कहाँ जा रहे हो? मैरिज लुक्स, मैरिज टॉक्स। हाँ, लड़की कौन है? अपनी वाली है। अपनी वाली कौन है? कौन है? लगता है शराब पीने से दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। भूल गए, तुमने ही तो लड़की का फोटो दिखाकर भैया के हाथ में कनेक्शन दिया। भैया ने स्विच ऑन कर दिया, लड़की तक करंट पास भी हो गया। अब वो तड़प रही है। अभी मैं जो झटका दूंगा उससे ये तड़पने लगेगा। कैसा झटका? असल में वो लड़की कौन है मैं नहीं जानता। और तेरी तो ये क्या, तुम ही तो तस्वीर लाए थे। तस्वीर लाया था, पर लड़की को लाया क्या? बड़े बेटे के स्टूडियो में जाकर क्वार्टर के लिए 40 देने को कहा था। 40 पैसे भी नहीं दूंगा कहकर डार्क रूम में चला गया। अरे तेरी जिंदगी डार्क कर दूंगा ये कहकर फोटो लेके आ गया। इससे बदला लेना था, मैच बराबर होने के लिए मैंने इसे तस्वीर दिखा दी। ये क्या किया तुमने? अच्छा, इसने क्या कम किया था? उस दिन गांधी जयंती के दिन लाई हुई शराब की बोतल रस्सी में टांग कर तरसाया था मुझे, इसीलिए मैंने भी तस्वीर दिखाकर तरसा दिया। सही किया ना? टिट फॉर टैट। शराब के लिए तुमने बदला लिया? बेचारा, जब से तुमने वो तस्वीर दिखाई है ये ख्वाबों की दुनिया में जी रहा है। भाई को धोखा देना महापाप है चाचा। इतने सालों के बाद कोई खुशी मिली थी उसे, उस लड़की के साथ जीने के ख्वाब देख रहा था और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक है ठीक है, हम बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, सारे ख्वाब थोड़ी पूरे होते। वो लड़की कौन है पता नहीं, मैं पीछे पड़ गया। मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया। लड़की है, उसे बहुत परेशानी हुई होगी। मैं जाकर उससे माफी मांग लेता हूँ। कौन है ये, जाने बिना कैसे ढूंढेगा उसे? पापा पापा, मेरे फोटो स्टूडियो आकर फोटो लेकर आए थे क्या? तू कौन होता है जो क्लोज केस को रीओपन कर रहा है? तस्वीर तो एक हफ्ते पहले आई थी, तेरी आंखें आप खुली हैं? आंखें खुली नहीं, हमेशा के लिए आंखें बंद करनी पड़ेगी। वो फोटो पता है किसकी है? पितराजू की बहन की है। ये पितराजू कौन है? बड़ा करोड़पति आदमी है वो, अगर हैदराबाद में चिल्लाए तो वही जाके लोग थर थर कांपने लगेंगे। ऐसा क्या, माँ से बुलंद आवाज है? चुप करो, मेरी जान खतरे में डाल दी। उनका फोटो गुम गया कहूंगा तो पितराजू के लोग मुझे। वक्त पर अगर उन्हें फोटो नहीं मिली तो पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। ऊपर वाला क्यों हमारी जिंदगियों के साथ खेल रहे हो? ठीक है, वो लड़की कहाँ है? नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते जी। ए, कौन हो तुम? नाम है मुरली कृष्णा, गांव है बैसाख, एरिया हार्बर। अरे वाह, बात तो सीएम की तरह कर रहा है। ये सोचना मेरा काम नहीं है, वैसे ठान लिया तो बन भी जाऊंगा। हौसला बड़ा बुलंद है तुम्हारा, ऐसा जज्बा हम लोगों में नहीं है। हमारे भाई को भगवान ने दिया ये हौसला। इतना हौसला है ना, कलेजा उसका डबल है। ए, कहानी मत सुना, किस लिए आयो? और किस लिए भाई, नया दूल्हा लग रहा है, आशीर्वाद मांगने आया होगा। ये आशीर्वाद और दुआ ऊपर वाले ने बहुत पहले दे दिया है। तो फिर क्यों आया है, चंदा चाहिए क्या? सफेद लिबास में कृष्ण की तरह वरदान देने वाला लग रहा है, हमसे चंदा क्यों मांगेगा? तू चुप करेगा क्या? सच हमेशा कड़वा होता है। हम आए माफी मांगने के लिए। माफी किससे और किस लिए? वही सर, आपके घर में पपीते की तरह हरा सा, पीला सा, सेब की तरह लालम लाल है ना एक लड़की, उस लड़की को अपनी होने वाली समझकर गलतफहमी हुई थी। लड़की? वो देखिए वही लड़की है, उसे जिसे अपनी होने वाली समझकर कुछ ज्यादा ही मैंने बोल दिया था। माफी मांगने से जो गुनाह हुआ है वो धुल जाएगा।
गलत फहमी में मैंने ज्यादा कह दिया और तुम्हारा दिल दुखा दिया, और मैं अपनी गलती मान रहा हूं। तुम किसी और को ढूंढ लेना। सर, मुझे लगता है आप इस लड़की के भाई हैं, इसीलिए आपसे भी कह रहा हूं, माफ करना, गलती हो गई। हाँ, गलती तो हुई है तुझसे। इससे बात करके हमने गलती की, इसे मार देना चाहिए था भाई। गेट बंद करके इसे मार डालो। आसा डोसा अपड़म बड़ा ऐसा बनाएंगे। क्या भाई, इसका इस्तेमाल हम लोगों पे करोगे? महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, यहाँ मुरली कृष्ण लकीर खींचेगा, लकीर पार करने वाले की चमड़ी उधेड़ दूंगा। जिसके अंदर हिम्मत है वो आगे आए, सिर फोड़ दूंगा उसका। कौन आएगा भाई, ऐसी पावर देखने के बाद कोई नहीं आएगा, वो उस पार हम लोग इस पार। आप जाओ भाई। बताने आया था कि गलती हुई है तो तुम लोग गलती करोगे, जमीन के कीड़े की तरह मसल दूंगा। सच कह रहा हूँ, शेर समझती थी शेर, तुझे तो पता नहीं कहाँ का महाराजा समझ लिया था मैंने, पर तुमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया तुमने, उसके भाइयों के सामने से उसे खींच कर ले आते ना तो शेर नहीं बब्बर शेर समझती। छी, ये क्या बकरी हो दादी। बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं, सोचा था उस लड़की को लाओगे, सोचा था उससे शादी करोगे, फिर पोते पोती होंगे तो उनको खिलाऊंगी। उस पोते को उठा के फोटो खिंचवाती और उस फोटो को उठा के दीवार में टांग देती तेरी बुड्ढी। चुप रह, चावल का पानी दो। हाँ, यही चावल का पानी पीता। अरे अगर उससे तेरी शादी होती तो तरह तरह के पकवान में लाकर खिलाती उसे। अरे दादी, अच्छा खाना बनाने वाली लड़की ढूंढो ना, मंगलसूत्र पहनाऊंगा। उसी लड़की को अपनी बीवी बनाकर लाना पड़ेगा तुझे। मुझे भी वही लड़की चाहिए दादी, अब मैं अपना गम किसे बताऊं। अगर वो भी कह दे कि पति के रूप में मुझे यही चाहिए तो बीच में कोई भी आए मैं उसे लेकर ही आऊंगा। हाँ हाँ, ए वहां देख, अपनी गलती की माफी कल ही मांग ली थी ना, तो अब क्या चाहिए? तुम चाहिए। हाँ, मेरे पति के तौर पर तुम चाहिए। सुनो जरा, लगता है तुम जज्बात में बहकर आई हो। नहीं, जज्बात जगाने आई हूँ। I love you। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ? जो जो भी लो तो इससे प्यार कर लो। मारे छोरे में तरने काई पसंद आया छोरी। जब तुमने कहा कि हमारे घर आकर तुमने गलती कर दी है तो तुम्हारी अच्छाई मुझे पसंद आई। उनका सामना कोई नहीं कर सकता, इस गुमान में जीने वाले हमारे भाइयों को कांपने पर मजबूर कर दिया तुमने। तुम्हारे जितना अच्छा पति मुझे नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। बाप रे, इतनी सारी कारें आ रही हैं। देख क्या रहा है बे, तुझे मेरी बहन चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक गुरु, तुम्हारी बहन को हमारा भाई चाहिए। मालती, क्यों आई हो तुम यहाँ पर? है? कल तुम्हें जो डोसा दिया था वो काफी नहीं था क्या? पर उसे जो डोसा चाहिए वो लेकर आई है वो। मुंह बंद कर मजदूर कहीं की।
रुक जाओ। अपना एक अलग तरीका है ना चाचा, अच्छे के लिए अच्छा बुरे के लिए बुरा। इनसे पूछ कर देखता हूँ। हाँ, यहाँ क्यों आए हो, आखिर बात क्या है साले साहब? साले साहब, अरे तेरी औकात ही क्या है, हमारी हैसियत क्या आ गए? मेरे होने वाले पति से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? दोबारा अगर मेरी होने वाली को ये कहा तो जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। क्या जोड़ी है, खूब लग रही है। मुंह बंद कर, चुबे चुबे। दो कौड़ी के मजदूर होके तेरी ये औकात हमसे मुकाबला करेगा? तुझे हमारे बारे में पता नहीं है? गाड़ी के टायर के नीचे चींटी की तरह मसल दूंगा, देखेगा क्या? अच्छा, तू बड़ी गाड़ी से उतर कर आया है, हम चावल का पानी पीकर बड़े हुए हैं, देखता हूँ किसमें कितना दम है। अंजी कार रोको। ये है चावल के पानी का। मजदूर का पावर ये होता है। देखा ना, हमारे चावल वाले पानी के हाथों से तुम्हारी गाड़ियाँ कैसे कांप रही हैं? देख लिया भाई, मजदूर जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद। अब कार उतार दीजिए भाई। जब तक उठाया हुआ सर नीचे नहीं झुकाओगे तब तक गाड़ियाँ नहीं उतरेंगी। मजदूर को कम समझकर बेइज्जत करने के लिए माफी मांगना होगा। छोटी सी बात है, सॉरी बोल दो ना भाई। सॉरी बोलने के लिए बोल रहा है? पितराजू, पितराजू के भाई है। ठीक है, कार फेंकवा दो। ना ये करें ना वो करें, कैसे चलेगा? लगता है ये लोग मानेंगे नहीं, हाथ दर्द कर रहे हैं, कार को पानी में डाल देते हैं। अरे रुको ना, ये लोग रास्ते पर आ जाएंगे, बोल दो ना भाई। सोच क्या रहे हो, जल्दी से सॉरी बोल दो ना। क्यों, सॉरी बोल दे क्या? कार जाती है तो जाने दे, हम सॉरी नहीं बोलेंगे। क्या लगता है ये सिर्फ कार फेंकेंगे, हमें भी उठाकर फेंक देंगे? भाई लगता है नहीं मानेंगे, हाथ दर्द हो रहा है, कहियो तो पानी में फेंक दे सब गाड़ियां। सॉरी सॉरी कहने का अंदाज गलत है। हाथ जोड़कर सर झुकाकर तुम लोग अदब से बोलो माफ करने के लिए। इतने सारे एक्सप्रेशंस एक साथ नहीं आएंगे भाई, थोड़ा कंसेशन मिलेगा। दोबारा बात करोगे तो कनेक्शन कट हो जाएगा। बात करने का कोई फायदा नहीं है, जल्दी से सॉरी बोल दो। माफ कर दो हमें, उतार दो। थैंक्स भाई, कार उतार दिया ना। अब हम यहाँ मनहूस शक्ल लेकर खड़े क्यों हैं? जब शादी पर बुलाएंगे तब आ जाएंगे। चलो जल्दी चलो यहाँ से। चलो तुम भी उनके साथ जाओ, मैं एक मर्द की तरह शादी के जोड़े में तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। शाबाश बेटा, ये हुई ना बब्बर शेर वाली बात। पितराजू के लोगों से माफी मंगवाना, मतलब ये मुझे कोई आम आदमी नहीं लग रहा है साहब। ये मर्द कौन है पता लगा? मेरा ही बेटा है। तुम ला 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 ला। क्या हुआ बड़े साहब, ये दूध पीता बच्चा दूध के लिए रो रहा है, ऐसे लेकर क्यों घूम रहे हो? लगता है ये तुम्हारे लिए मुसीबत है, ये खत्म हो गई है, 10 रुपए दो ना। 10 रुपए मांगा तो ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? 10 रुपए नहीं, 10,000 दूंगा, इस बच्चे को पालोगे क्या? 10,000 में तो मैं सालों पी सकता हूँ, अभी पैसे लेता हूँ, बाद में इसके बारे में सोचूंगा। हाँ दोनों मुझे 10,000 दे दो, बच्चे को भी दे दो। पैसे दो पैसे। ये लो। आते आते तू 10,000 लेकर आया, बड़े होते होते पता नहीं कितना लाएगा, मैं तुझे पालूंगा, ये मेरा बेटा है। आले ले 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 ले। हे भगवान, मैंने जो किया गलत या सही ये मैं नहीं जानता, इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता सूझा ही नहीं, उस बच्चे की हिफाजत तो मैं ही करनी होगी। मैं ही हूँ वो। मतलब वो मुरली कृष्ण? यही है वो बच्चा, यही है।
हे भगवान, वो कहाँ है? अरे रे 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 रे, थोड़ा तसल्ली रखो, मेरा बेटा अब तुम्हें चाहिए। फिर से तुम उसे अपना बेटा बुला रहे हो? वो लड़का इनका पोता है। अरे ऐसा इन्हें कब से लगने लगा? सुनो, भले ही मैंने दारू पी रखी है पर महाभारत याद है मुझे। बच्चे को छोड़ने के बाद कुंती और करण का कनेक्शन कट नहीं होगा क्या? भले ही कुछ भी कहो, वो मेरा पोता है। ये बात जरा जोर से बोलो, मैंने सुना नहीं। किस उसूल से वो तुम्हारा पोता है बोलो? हाँ, तुमने किसी दिन उसे गोद में खिलाया? साथ खेले क्या? उसे नहलाया क्या? रोते से चुप कराया? लोरी गाया क्या? बोलो ना। मानता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, पर उसके अंदर मेरे बेटे का खून। हाँ, तुम्हारा खून का रिश्ता है और हमारा क्या शराब का ताल्लुक है? जाओ जाकर सीधे उसी से बोलो यही कि पोते, हमारा खून का रिश्ता है, मेरा बेटा तुम्हारा बाप है और मैं उसका बाप हूँ। पैदा होते ही मैंने तुझे हटा दिया था, झूले में जिसे खिलाना था उसे सांस रोकने के लिए कहा था, मैंने दूध के बदले उसे मार कर लिटाने को कहा था। फिर भी इन सब का बुरा मत मानना, बस एक बार, सिर्फ एक बार बच्चे से मुझे दादाजी कहने के लिए कहो। ये सुनकर अगर वो तुम्हें लात घूंसा मार कर वहां से भगा ना दे तो मैं जो पी रहा हूं वो शराब नहीं, पानी है। ऐसा ना हो इसलिए तो तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। मैंने जो गलती की है वो पोते को पता ना चले। देखो, जो हो गया सो हो गया, जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। एक छोटे से बच्चे को मैंने इतना बड़ा किया, मैं भले ही सोडा पीता रहा मगर उसे स्टोर का दूध पिलाया, कपड़े दिए, खाना दिया। मैं भले ही सस्ती शराब पीता हूँ पर एक एक ग्लास कम करके उसे चौथी जमात तक पढ़ाया। इतनी कुर्बानी करने के बाद हाथ में जो बेटा आया है उसे तुम्हारे हाथों सौंप दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पोते को लौटाने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो? अगर मैं लाख दो लाख में मान गया तो उसके बाद क्या करेंगे? छह महीने के बाद खुदकुशी करनी पड़ेगी, आप खुद ही बता दीजिए। तो फिर तुम्हें क्या दाम चाहिए बोलो? हैं? मेरा दाम? उसका दाम बोलो। 10 करोड़ चलेगा क्या? सीने पर उसको सुलाकर, पीठ पर बैठाकर, घोड़ा बनकर खिलाने वाले बच्चे के लिए सिर्फ 10 करोड़? अरे नहीं सर, मेरे कलेजे को टुकड़े को मुझसे मत छीनो। तो फिर 20 करोड़? इसका मतलब इससे पहले 10, अभी 20 मिलाकर कितना हुआ? ठीक है साहब, इतना काफी है। 30 कहा ना आपने, बस इतना काफी है। अब अगर और रुलाऊंगा तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैंने पाला है तो क्या हुआ, खून का रिश्ता ही तो सब कुछ होता है। मैंने तो ये सोचकर उसे पाला था कि ये घर के काम करके मेरे लिए रोज क्वार्टर लेकर आएगा। सोचा नहीं था कि ये मुझे शराब की फैक्ट्री का मालिक बना देगा। देखिए साहब, आप अपने पोते को रख लीजिए, मेरे लिए इतना काफी है। तू बेटे की अहमियत नहीं जानता। अरे तुझे पैसे की अहमियत नहीं मालूम? वो हमें छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा, समझ लो। उतना दिमाग है मेरे पास कि वो नहीं छोड़ेगा। हमें प्लानिंग के साथ उसे छुड़वाना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। लो आ गया वो। सुनो, इस सीन में तुम हीरो हो और तुम हीरोइन हो और मैं डायरेक्टर, तुम विलन हो। अभी कुछ नहीं बोलोगी, अगर बोली तो तुम्हारा गला काट दूंगा। अरे भाभी, दादी ने कहा था घर के सामान की लिस्ट देगी, कहाँ है? मुझे क्या पता वो बुढ़ी कब मरेगी और कहाँ मरेगी, मैं अंतर्यामी हूँ क्या? क्यों भाभी, गुस्से में क्यों हो? उस दिन साड़ी का फॉल लाने को कहा और मैं नहीं लाया, लेकिन आज लेकर आया हूँ, ये देखो। ये फॉल और फॉल्स प्यार की मुझे जरूरत नहीं है, खुद ही रख लो। भाभी, ए, इसने इस तरह हाथ क्यों पकड़ा तुम्हारा? भैया, अरे ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बे भैया? अरे आप हट जाइए सर, मैं अपनी बीवी से बात करता हूँ ना। क्यों, कुछ नहीं है क्या? आखिर बात क्या है, इतनी बेरहमी से बेचारी बहू को मार क्यों रहा? क्या हुआ, अपनी बहू से पूछ लो। पति अगर निकम्मा हो तो किसी के पास भी चली जाएगी। भैया मुझे कुछ भी बोल लो, लेकिन भाभी को कुछ नहीं बोलना। तुझे मैंने कुछ नहीं खाया इसलिए हिम्मत दिखा रहा है क्या? ये घर चली तेरी वजह से रहा है, घर वाले जी रहे तेरी वजह से। तेरी आंखों में कुछ और है, तेरे पेट में कुछ और है, तेरी बातों में कुछ और है और तेरे दिल में कुछ और है। भैया क्यों, सच नहीं है क्या? अरे रे 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 रे, जब अपना ही सोना खोटा है तो भला सोनार क्या करेगा? सुनना बहू, इसे बाजार के लावारिस लोगों के साथ घूम कर गंदे कामों और गालियां देने की आदत पड़ गई है, पर तुम तो बहुत ही नेक थी, ऐसे काम कब से करने लग गई? गलत है ये पापा, बचपन से मैं आपके सामने ही बड़ा हुआ हूँ, आप ही के सामने घुमा हूँ, कभी भी किसी के साथ मैंने बदतमीजी की है? कोई संस्कारहीन काम किया है? ये घर मेरा नहीं है, तुम सब लोग मेरे हो,
और ये मेरी भाभी है, भाभी माँ के समान होती है। उसकी अहमियत जिनके पास अपने माँ बाप होते हैं उन्हें पता होती है। मैं सच कह रहा हूँ, जब जानवर अलग अलग तरीके से बर्ताव कर सकते हैं तो इंसान जानवर की तरह बर्ताव क्यों नहीं कर सकता। दादी पापा पापा क्या वो बोल रहे हैं? सच कह रहा है, जानवर जानवर जैसा ही बर्ताव करेगा, वो अपने तजुर्बे से कह रहा है। ए, इतने सालों से इसके हिमायती बने रहे, अब आगे खुली ना तुम्हारी। भैया ए, कैसा भैया, कौन है तुम्हारा भैया? उस बाप की पैदाइश है या मेरी माँ की कोख से पैदा हुआ? पापा जब तक ये यहाँ रहेगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, या तो ये यहाँ रहेगा या फिर मैं यहाँ रहूंगा। तू किसी अरे गहरे लावारिस की वजह से अपने घर से बाहर क्यों जाएगा? तू और तेरी बीवी को अगर ये खुश देखना चाहेगा तो ये खुद ही घर से चला जाएगा। पापा हे चल भैया, छोड़ो, तुम्हें भाई बुलाने में मुझे शर्म आती है। दादी देखो। क्या देखो, इन लोगों ने इतनी बेइज्जती की फिर भी तुझे बिल्कुल अकल नहीं आई? मैं कहती हूँ जा यहाँ से, जा। दादी असल में तुम क्यों दुखी हो रहे हो भाई? तुम्हें दूर करने के लिए तो उन्हें दुखी होना चाहिए। प्यार से मुंह में निवाला रखेंगे तो उंगलियां काटकर निगलने वाली जात है उनकी। नहीं चाचा, उन्होंने कुछ भी कहा हो लेकिन वो मेरे अपने ही हैं। समझो, उन्हें अपना ही समझो। वो सब मिलकर भले ही तुम्हारा गला काट दें, फिर भी वो लोग तुम्हारे लिए अपने ही हैं। इतना भी नहीं सीखोगे तो कैसे चलेगा? वो तुम्हारे लोग हैं, तुम ऐसा सोच रहे हो? अगर वो ऐसा सोचते तो ऐसा करते क्या? अरे नहीं चाचा, गलतफहमी हुई है, मैंने कहीं बड़ी गलती की होगी। गलती आपने नहीं की है भाई। हाँ बेटे, गलती करना ये तुम्हारे खून में ही नहीं है। तुमने गलती की ये बात अगर किसी ने कही तो ये उसकी गलत फहमी है। आप मैं कौन हूँ ये जानने से पहले तुम कौन हो ये मुझे बताना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारी राह देखने वाले तुम्हारे अपने लोग हैं बेटा। हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? वो खुद आकर तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुमसे माफी मांगना चाहते थे बेटा, हालात वहां तक नहीं पहुंचे इसलिए मैं खुद आया हूँ। उनके बड़प्पन को तुम इज्जत दोगे, भले ही छोटे हो पर बड़े दिल से उन्हें माफ करोगे। इसलिए ऐसे लोगों को माफ नहीं करना कोई महापाप नहीं है। देखिए ऐसा मत कहिए, तुम्हारे दादाजी बहुत तकलीफ में है, अगर उनकी हालत तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा बेटा? अब इसमें समझना क्या है, एक ने पैदा होते ही गला दबाकर मारने को कहा और दूसरे ने पैसे के लालच में बड़ा करके घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो बड़े साहब बुला रहे हैं इससे प्यार है इसलिए, या उनकी जान बचाने के लिए? इस उम्र में भी उन्हें और जीने की क्या हसरत होगी भला। वो बुला रहे हैं तुम्हारी बहन के लिए। बहन? हाँ। भले ही एक माँ के बच्चे नहीं हो लेकिन एक ही बाप का खून दौड़ रहा है तुम दोनों की रगों में। भैया, इसका भैया जिंदा है ये पता चलते ही भागते हुए आना चाहती थी, पर बेचारी का इतना नसीब कहा बेटा। दादाजी ने अगर कोई गलती की हो तो माफ कर दीजिएगा भैया, अगर तुम मना करोगे तो वो हमें जीने नहीं देंगे, मार डालेंगे भैया। मैं जीना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हम सब की जान बच जाए, प्लीज भैया। अरे नहीं नहीं बहना, नहीं। कोई अनजान भी आ जाए तो उसकी जरूरत से ज्यादा मदद करने वाला इंसान है ये, फिर तुम तो इसकी बहन हो, तुम्हें हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। दुखी मत हो बहना, मैं हूँ ना, डरो मत, चाहे माँ की तरह इस्तेमाल करो या गुड़िया की तरह नचाओ मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ बहना, मैं हूँ। चलो बेटे दादाजी के पास चलते हैं। नहीं आऊंगा जब तक उस पितराजू का सिर कलम करके दादाजी के पैरों में नहीं रखूंगा, तब तक पोते के तौर पर अपने दादाजी के पास नहीं आऊंगा। पितराजू, शुक्रिया मेरा फोन रिसीव करने के लिए। तू मेरे घर गया, मैं तेरे घर आया। मेरा सिर कलम करके अपने दादाजी के सामने रख करके तू अपने आप को मर्द साबित करना चाहता है ना? पितराजू मतलब अपने भाइयों की तरह सर झुकाने वाला नहीं हूँ, सर काटने वाला हूँ।
तेरे दादाजी को काट कर तेरे सामने फेंक कर मैं दिखाऊंगा कि फिट तराजू क्या है। क्यों दस्तखत करके दस्तावेज भेजने को कहा तो कोयता देकर अपने पोते को भेजता है? तुम्हें दस्तखत ही चाहिए ना? कर दूंगा। उस समय तेरा दस्तखत चाहिए था लेकिन अब तेरी लाश चाहिए। ए, अब ये पैसे का मैटर नहीं बल्कि ईगो का मैटर है। अब बुड्ढे तेरे अंदर बहुत ईगो है ना? तू मेरे बाप का दोस्त है इसीलिए तुझे चाचा बोलता था मैं। सर फ्लाइट का टाइम हो गया है। सॉरी चाचा बोर्डिंग पास भी नहीं लिया तुझे पास करने के लिए। एक छोटा सा काम निपटा कर आता हूँ, तुम लोग एयरपोर्ट पे मिलो। दादाजी 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 दादाजी, ये क्या हो गया दादाजी? दादाजी बेटा ये क्या हो गया? मल्ली दादाजी बेटी तुम्हारे लिए माँ और बाप सब ये भैया ही है, याद रखना बेटा। दादाजी 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 बहन को मैं अपना प्यार ही नहीं, जरूरत पड़े तो अपनी जान भी देकर उसे बचाऊंगा। दादाजी 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 राजू, इतना राजू समझ में नहीं आ रहा है क्या? मार डालूंगा। अब तू गया, रुक जा। पिता राजू तू गया, चुप, अब तू गया कमीने।
मैं पितराजू, उसे देखो, मैं आईजी को जानता हूँ, उसे देखो, उसे देखो, मैंने कत्ल किया, मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे बंद कर दो अंदर। अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आसानी से बाहर निकलने के लिए मंदिर में नहीं हो, जेल में हो। कोर्ट का टाइम खत्म होने के बाद तुम अंदर गए हो। आपने खुद जेल में आकर बेवजह अपना जुर्म कबूल कर लिया। संभालो, अगर मैं अंदर नहीं आता तो वो मुझे छोड़ता क्या? थोड़ा सब्र रखिए सर, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया, इसलिए मैं अंदर फंस गया हूँ। अरे मुझे निकालो मुझे। आपने खुद आकर सरेंडर किया, इसलिए आपको बाहर निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं जेल में नहीं रह सकता, हर जगह मुझे वही दिखाई देता है, वो मुझे मजदूरों के साथ आकर जेल की दीवार तोड़कर मेरी छाती पर बैठा हुआ दिखाई देता है। मुझे बचा ले, ये जहन्नुम में निकाल मुझे यहाँ से। शेर के जैसे था बेचारा, मलेरिया से जूझने वाले बीमार जैसा हो गया, मदद कीजिए ना भाई। सर दूर रहिए। सर अगर आप कहें तो मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करके दूसरे शहर की जेल में शिफ्ट करवा देता हूं। हां ये काम कर, मेरा दिमाग जब तक काम ना करे मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। अरे मुझे हैदराबाद जेल में ट्रांसफर करवाओ। रे हैदराबाद जा रहे हो क्या? हाँ चाचा जी, अगर इस घर में रहेंगे तो दादाजी को मल्लिका भूल नहीं पाएगी, वो यहाँ कभी ठीक नहीं हो पाएगी। हैदराबाद ले जाकर मल्लिका का इलाज करवाऊंगा और उसे वहीं पढ़ाऊंगा। उस पितराजू को भी हैदराबाद की जेल में भेज रहे हैं, क्या तुम भी वहीं रहना चाहते हो? हाँ रहेंगे, रहना ही पड़ेगा। मेरी हवा लगकर उसकी सांस बंद होनी चाहिए, मेरे खौफ से उसे थर थर कांपना चाहिए, हर पल उसका दिल धड़कना चाहिए, मेरी आवाज से ही नहीं मेरी परछाई से भी उसे कांपना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा कवच है। हाँ, तुम्हारे दादाजी की हैदराबाद में कॉलोनी है, बहुत सालों से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तुम वहीं रहो बेटा। मेरे लिए अपनी जिंदगी छोड़ कर आए और मेरी वजह से ही मुसीबत में पड़ गए। दुखी मत हो बेटी, औरत के सुख की फिक्र करने वालों की मुसीबत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सिस्टर इनका इलाज चल रहा है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब। हाँ मुरली, तुम्हारी राह देख रहा था, ही इज आउट ऑफ डेंजर। गुड इवनिंग डॉक्टर। नमस्ते जस साहब। सर फिक्र मत करो मुरली, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। कोमा से एक बार बाहर आते ही उनका स्टेटमेंट हम ले लेंगे, उसके बाद तुम इस केस से बाहर निकल जाओगे। पर एक बात याद रखना, तुम कहीं बाहर मत निकलना, तुम पर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना। अरे तुम आईजी हो इसलिए अपने पुलिस से उस मुरली को टपका दोगे, यही सोचकर मैंने तुम्हारे प्लान पे भरोसा किया। अब देखो वो डीजीपी मरा कि नहीं मरा पता नहीं, अब वो मुरली अभी कहाँ है वो भी पता नहीं। तुम्हारे अरेंज किए हुए 3 CL मुझे पैसों के लिए बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे तुझे कितनी बार फोन करता हूँ, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से तुम्हें उन इंस्पेक्टरों से परेशानी नहीं होगी। एक बार वहाँ देखो, अभी तुम सुकून से रहो। सुनो डीआईजी, हाँ उस मुरली को ऊपर भेजने के बाद ही हम सुकून से रह सकते हैं। वो कहीं भी हो उसे घसीट कर बाहर लाओ। मैं जानता था तुम्हें शौक लगेगा, पर ना कहता तो मुझे शौक लगता। मुरली ऐसा आदमी नहीं है। पर वो लड़की तो वैसी है, अब लड़की अगर सामने आए तो जवान लड़का चिपकने के अलावा उससे क्या करेगा, बोलो। मैं मुरली को जानती हूँ, उसका दिल नहीं बदलेगा। दिल नहीं बदलता, बॉडी बदल जाती है, सोच बदल जाती है, फिर बिस्तर बदल जाता है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो दुल्हन बदल जाएगी। मैं नहीं मानूंगी। मत मानो, तुम नादान बच्ची हो और वो शातिर लोमड़ी है। ए, यहाँ अष्टलक्ष्मी कौन है? मैं हूँ, तुम्हें कोई परेशानी है? शट अप। मुरली कहाँ है, तुम्हें क्या करना है? मेरे मन में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आप पेड़ पर्वत पहाड़ कहीं भी। ज्यादा मत बोल, मुरली और तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारा मुरली का क्या रिश्ता है? केक और लिप के जैसा रिश्ता है। बर्थडे पे उनकी फोटो के सामने केक रखा था ना वो। अब बताओ मुरली का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? जैसे जैकेट और हाथ का रिश्ता होता है। जैकेट से अंगूठी निकाला था ना, वो ही रिश्ता है। इडियट, आई विल किल यू। मेरी गन की बुलेट्स तुम्हारे हाथों में कैसे आई? जैसे उस दिन वो रिंग उसके हाथ में चली गई थी वैसे।
मैंने भी उससे थोड़ा बहुत सीख लिया है। देख लूंगी। क्या हमारी शादी? शिट! हेलो हेलो, तुम्हारी बुलेट्स! ये तुम क्या कह रही हो? हाँ भैया, जल्दी से मेरी शादी का मुहूर्त निकलवाइए। किससे? आपको जो पसंद आए, आप जिसके साथ तय करेंगे उसके साथ जल्द से जल्द मेरी शादी होनी चाहिए। उस मुरली ने मुझे धोखा दिया है। आज के बाद इस घर में उस मुरली का नाम सुनाई नहीं देना चाहिए। तुम्हारा बदला ही मेरा बदला है। मेरी शादी तय कर दीजिए। शाबाश शाबाश, अब तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बहन हो। मेरी बात को कायम रखा। वो कहाँ है उसे घसीट कर बाहर लाना है। मिल नहीं रहा था इसलिए मेरा दिमाग खराब था, अब उसे निकालता हूँ। चलो चलो। वो दरअसल बात ऐसी है कि बुल्ले राजू, चिन्ना राजू, बहुत खुश हो यार, बहन ने शादी के लिए हाँ कर दिया। आप क्या बोल रहे हैं? मुरली से शादी के लिए आपने हाँ कर दी है? मिट्टी मिट्टी, मुरली को लात मार के अपने आजी के बेटे से शादी करने के लिए राजी हो गई है, अब समझा? मिट्टी मिट्टी। वेरी गुड, ये बात अगर मुरली को पता चल गई तो कहीं भी होगा शादी रोकने के लिए जरूर आएगा। दूल्हा कौन है? आईजी का बेटा। पुलिस उसे जानवर की तरह मारने के लिए ढूंढ रही है, नहीं तो हम उसे मार डालेंगे। उसकी मौत पक्की है। वो इस जन्म में नहीं हो पाएगा। मुरली को पी पी बजाने वाला बांसुरी समझाए क्या? मुरली कृष्ण गुजारिश करे और बाल कृष्ण काटने पर आ जाए तो वीर भद्रा। ए, कौन है तू? अरे बापरे, कितना अच्छा इंसान है तू। है? तारुफ होने से पहले ही तूने मुझे बेकहा, मतलब हमारी इतनी गहरी दोस्ती है। अब मैं भी तुझे बे बुलाऊंगा। क्या बे बोलेगा? क्यों नहीं, दोस्ती है हमारी। है? बे? बताता हूँ ना तुझे, तेरा और मेरा अगर मसौदा तय हो जाए तो 3 घंटे में मुरली को लाकर तेरे हवाले कर दूंगा। असल में तू है कौन? उससे क्या मतलब है तुझे? हमारी जान है पैसा, मुरली की जान है हम, और तुझे चाहिए मुरली की जान। 20 करोड़ दे दो, मुरली होगा तुम्हारा। अरे ओ, तूने तो कहा था मुरली के पास लेकर जा रहा है और हम यहाँ लेकर आ गया। सच कहते तो तुम आती क्या? तुम अपना मुंह बंद रखो, ये तो जल्लाद है जल्लाद। कौन है ये? ये है मेरी माँ, मुस्तकबिल में सिरदर्द बन सकती है। ठीक है ठीक है, पहले सौदे के बारे में बात करो। ये कौन है? मेरा बेटा, ताकि प्लानिंग में कमी ना आने पाए। जी जी, पैसों के लिए किस हद तक गिर गया है तू? आदत हो गई है माँ, क्या करूँ। सुनो, हमारी कीमत अब तुम नहीं जानते। हमें अगवा कर लिया गया, ये खबर मुरली तक पहुँचा दो। 20 घंटे में अगर वो सरेंडर ना करे तो हम सबको मार डालेंगे, ये कह दो। बस, पाताल में भी होगा तो पाइपलाइन से चढ़कर आ जाएगा। तू सच बोल रहा है ना? वो तुझसे इतना प्यार करता है क्या? सर, आपकी बहन की शादी रोकने के लिए आएगा या नहीं पता नहीं, पर अगर कहेंगे कि हम खतरे में हैं तो वो जरूर आएगा सर। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हा? इतना यकीन है? अरे तू जानता नहीं है उसे, हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। हा? तो फिर आजमा करके देखे क्या? अरे बताना, पहले तुम लोगों में से 2 को शूट करके उसके पास भेजते हैं, अगर तेरी बात सच निकली तो वो भागता हुआ आएगा। इतना बड़ा फिनिशिंग टच दिया है, कमाल है। ऐसे मेरा भी हिस्सा बढ़ जाएगा, इनमें से किन्हीं 2 को उड़ा दूंगा। ऐसा नहीं है, मैं पहले तुझे शूट करूंगा। हाँ? ए, दोस्त को धोखा नहीं देते यार। मेरी आदत है यार। देखो, अनजाने में मैं अंदर आ गया, मुझे कोई मीटिंग नहीं चाहिए, कोई सौदा नहीं। चला चला, क्या रहे हो? चलो राजा, यही पड़े रहना, यहाँ से हिले तो हाथ पैर काट डालेंगे। अरे यार, पैसों का लालच दिखाकर यहाँ पर भैंसों की तरह लेकर आ गए, अभी जान पर आ गई। तुम जैसे के पास पैदा होना ही मेरी गलती थी। हम लोग तो छोटे हैं, पर आपको तो समझना चाहिए ना, आपकी होशियारी की वजह से हमारी जान खतरे में पड़ गई। बकवास बंद करो अपनी, तुम लोगों ने कुछ कम पाप किए हैं क्या? जिस दिन मुरली को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था उसी दिन तुम लोग मर गए थे। हमें खाना खिलाने वाले भगवान के मंदिर में तुम लोगों ने आग लगाई, आज उसी आग में तुम सब भी जल रहे हो। मैं तो कहती हूँ भस्म हो जाओगे सबके सब। वो इन्हें लेने आएगा और यहीं मरेगा, शादी में जाएगा तो वहाँ मारा जाएगा, उसका मरना तो तय है। ये यहाँ देख लेगा, तुम लोग वहाँ देख लेना। नमस्ते 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 नमस्ते। शुभ मुहूर्त में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, देखा कितने लोग आए हैं यहाँ। जिनको आना था आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मुरली नहीं आया है। आएगा सर। आएगा या पहले ही आ गया है, अच्छा होगा कि हम यहीं कहीं छुप जाते हैं। नमस्कार। नमस्ते नमस्कार। लेट तो नहीं हो गया ना? अरे जाओ ना भाई, क्या बात है, इतने टेंशन में क्यों? बुलाने के लिए इतना प्लान किया, वो अभी तक नहीं आया। वो देखो आ गया। आ गया ना, आ जा, तेरी ही राह देख रहा था। मैंने तुझसे कहा था ना, जब उसे दुल्हन बनाओगे तब मर्द की तरह आऊंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। लो आ गया ले जाने के लिए, अगर किसी में हिम्मत है तो आए और मुझे आकर रोक कर दिखाए।
देख क्या रहे हो? शूट करो इसे। रुक क्यों गए? शूट करो। क्या हुआ? मरा हुआ इंसान वापस आ गया, इस बात से परेशान है? डीसीपी, इस पर शूट एंड साइड का ऑर्डर है। शट अप यू इडियट। तुम लोग डिपार्टमेंट के नाम पर एक धब्बा हो। तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए शूट एंड साइड का ऑर्डर लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। मतलब हम पे गोली चलाएगा क्या? hey, मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट का ही हूँ। मैं सिर्फ नाम का ही पुलिस वाला हूँ। यहाँ के जो पुलिस वाले हैं उनमें से ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है, देखेगा क्या? hey! Shoot them! बहुत उड़ रहा ना तू? तेरे घर वाले मेरे कब्जे में हैं। अगर तूने हाथ उठाया तो उनकी लाश उठेगी। ए, उन्हें खींच कर ले बाहर। उसकी जरूरत नहीं है, मुहूर्त में हम करेक्ट टाइम पर आ गए हैं। शुक्रिया शादी के लिए इतने अच्छे कपड़े सिलवा कर दिए। कौन है जो इन्हें यहाँ पर लेकर आया? मैं लाई। तुम लड़के वालों की अगर खातिरदारी ना करे तो आपका ही नाम खराब होगा, इसीलिए मैंने ही करवाया। क्या बक रही हो तुम? मुरली को बुलाने के लिए शादी के नाम से आपने प्लान किया। मुरली को बुलाकर उसके हाथों से ही मंगलसूत्र पहनाने के लिए मैं शादी के लिए मान गई। मुझे धोखा देती है मुझे। हाँ, तुझे ही कैद करके रखने के लिए कहा था, वो कैसे आए? सॉरी भाई, इकलौती बहन का दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने इनको छोड़ने के लिए कहा। मिट्टी 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 भैया, मिट्टी में मिला दूंगा सबको। शादी कर ले, ले जा, ले जा इसको, ले जा शादी कर ले। ये नहीं चलेगी। क्यों? इसकी गोलियां मैंने निकाल दी। एक और बात बता देता हूँ, आईजी से कहकर मुझसे डराकर आपकी बहन से झूठ बुलवाया था, वो मैटर भी लीक कर दिया। मेरा खा के तू मुझे ही धोखा देता है। कौन थे तू? ये तुझे सोचना है कि मैं कौन? तेरे ब्लड में हूँ, रिलेशन में हूँ, खानदान से हूँ, तेरा साला हूँ या फिर तेरा जीजा हूँ? अच्छा बोलता हूँ इसीलिए जिंदा हूँ, वरना कब का मार दिया होता। हैवान को तुम्हें मारना चाहिए, लेकिन कानून की नजर में ये पुलिस के हाथों मरना चाहिए। दुखी मत हो बेटी, जिंदगी में इन्होंने बहुत पाप किए थे, मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं। गलत मत समझना, ये शादी जल्द से जल्द हो जाए इसीलिए
मैंने ये सब कुछ किया। मुरली मेरा अच्छा दोस्त है, मुरली की बीवी तुम ही हो। मुझे पहले ही पता चल गया था, इसीलिए सही वक्त पर मैंने सही फैसला कर लिया। आओ, नाराज हो क्या? कैसे आई? क्या? उसके जैकेट के अंदर से तुम्हारे हाथ में कैसे आई? ओ अंगूठी, राज की बात बतानी नहीं चाहिए, अब आ जाओ। अब उसे टच किए बिना अंगूठी कैसे निकाली? अरे माँ कसम, मैंने टच नहीं किया, यकीन करो। मैं नहीं करूँगी। तो क्या करूँ? इससे मैं रखती हूँ, मुझे टच किए बिना निकाल लो तब यकीन करूँगी तुम पर। चलो। है बुर्र, खुदा की कसम, कसम का हुकुम, खोलो सी बाबा। एक सास गरुड़ अंदर सिद्ध साहित्य, बहुत प्रीतम को सबक सिखा कर आ रहा हूँ मैं। मैंने प्रलोक को तांडव से रोका है, मुझसे मत छुप, अपने रास्ते पे आ। जहाँ छुपी है वो अंगूठी बाहर आ जा, जहाँ छुपी है वो बाहर आ जा। जो जो भी लो लो।